राज्य महाराज बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सारे सामान को लेकर के श्री गिरिराज के नीचे आ जाओ। सबके सब गिरिराज को नीचे आ गए और सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक कृष्ण को दर्शन करते हुए कीर्तन कर रहे थे। कुछ गोप लोग थे वो लठिया ला करके टेका दिया, दंड ला करके बोले कृष्ण तो गिरिराज को कब तक उठाओगे, थोड़ा विश्राम तो कर ले, हाथ दर्द हो जाएगा। बोले भैया तुम लोग से ये गिरिराज गोवर्धन नहीं उठेगा। बोले क्यों, क्या किया अकेला तुमने मैया के दूध पिया, हमने मैया के दूध नहीं पी, इसलिए हाथ को नीचे कर लो, हम श्री गिरिराज गोवर्धन को हम सबके सब उठा लेंगे। कृष्ण अपना हाथ को जब धीरे 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 नीचे करने लग गई, गिरिराज तो नीचे आने लगे। जितने डंडे लगे कर लगा कर रखे थे ना, वो सारे डंडे सब टूटना शुरू हो गया। बोले कन्हैया ये गिरिराज हमसे नहीं टिकेगा, तू ही ये गिरिराज गोवर्धन को उठा ले। और मैया जसोदा बारंबार उनको मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, लाला के हाथ में कोई दर्द नहीं हो जाए। और ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक गिरिराज को नीचे कृष्ण को दर्शन करते हुए सबके सब आनंद ले रहे थे। अभी 7 दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले देख करके आओ तो ये ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत ऊपर ऊपर से देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं सब समाप्त। और एक दूत को भेजा, तू देख कर का वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, उसने नीचे आया देखा एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। ब्रज में तो धूल उड़ रहा था, अब ब्रजवासी बड़ी सुंदर से कीर्तन कर रहे हैं, होली मच रहा है, आनंद ले रहे, उत्सव कर रहे थे। उसने जब वापस गया, इंद्र ने पूछा ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश, तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तू बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा करके रख दी। सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं उसको नीचे। इंद्र देखा भैया ये बालक कौन है, ध्यान लगा करके देखा ये बालक नहीं, ये स्वयं भगवान गोविंद कह रहे, जिन्होंने कृपा करके उनको ये इंद्र पद दिया था। उसने तो अमरावती में जहां पर इंद्राणी को साथ में विश्राम करता है, वहां विश्राम करने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई, इसको डर गया लगता है मेरा इंद्रपद ही चला गया। फिर अपना गुरुजी के पास में गए, बोले गुरुजी अभी बताओ क्या करेंगे। बोले ऐसे ऐसे हो गया। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले भैया तुमने बड़ी गड़बड़ी कर दी, मैं भी कुछ दिन पहले बड़ी बुरे तरह से मैं भी फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे। बोले हाँ। बोले कैसे। बोले जिस समय कृष्ण अघास रूप बध किए, सारे देवता लोग कृष्ण की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी ने सोचा भैया ये ब्रज में ये सब जय जयकार क्यों हो रहे, क्या बात है। ब्रह्मा जी उतर करके देखने के लिए आए, कृष्ण 5 साल के बालक थे और उन्होंने इतने बड़े अघास रूप उन्होंने मार डाले। और ब्रह्मा जी ने देखा उसकी ब्रह्म ज्योति तालु फट करके वो जो ब्रह्म ज्योति कृष्ण की शरीर में लीन हो गया। बोले भैया ये कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है जो ब्रह्म ज्योति भी जिनके शरीर में लीन हो गया। कृष्ण अभी सखाओं के साथ में जमुना किनारा में बैठ करके भोजन कर रहे थे, कोई लड्डू कोई कचौड़ी कोई मालपुआ कोई रसमलाई लाए थे और कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे। इंद्र ने देखा ब्रह्मा ने, भैया ये कैसे भगवान है जिसको झूठन फटन कभी कोई पता नहीं। उसने थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण के बछड़े को उन्होंने चुराया। सखाओ ने बोले भैया हमारे बछड़े तो अभी अभी चल रहे थे, वो बछड़े कहां सबके सब गए। कृष्ण ने कहा तुम लोग बैठो मैं देख करके आता हूं। जब कृष्ण बछड़े को ढूंढने के लिए गए, फिर इंद्र ने कृष्ण के सारे सखाओं को चोरी करके एक गुफा को अंदर में उन्होंने रख लिया। इतने में
कृष्ण ने क्या किया, जैसे बछड़े जैसे सखा थे ना, ठीक वैसे ही अपना शरीर से उन्होंने प्रकट किया। और इंद्र ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में वापस गया, कृष्ण उससे पहले ही पहुंच गए और स्वयं ब्रह्मा बन करके दरुआन को बोले, देखो सावधान, मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को मैं घूमते हुए देखा, मैं तो अंदर में जा रहा हूं, अगर मेरे जैसे कोई आए ना घुसने मत दिया करना। जब असली ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, जो दरुआन थे लठिया लेकर के, तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, भैया कौन आकर के ब्रह्मा बन गया है? उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कृष्ण ही स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गया। फिर तो ब्रह्मा डर को मारे वहां से वापस आया, गए और आए, आते आते इसी मर्त्य जगत में हो गया 1 साल। और 1 साल बाद में आकर के देखा, कृष्ण पहले जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं सखाओं को साथ में। फिर ब्रह्मा चकरा गए, बोले वो सबके सब तो मैंने गुफा में बंद करके रखा, फिर क्या ब्रह्मा जी फिर कृष्ण ले आए, फिर वहां पर देखा नहीं, वो जैसे के वैसे वहां पर सबके सब लेट रहे हैं, सबके सब सो रहे हैं। फिर इधर दो मुख और इधर दो मुख, जब एक साथ में दोनों तरफ में देखा, कृष्ण ने दिखाया, देखो ये बछड़े और सखा सबके सब कौन है। जितने कृष्ण बछड़ों को साथ में लीला कर रहे थे, देखा सबके सब चार हाथ वाले सबके सब नारायण है, जहां देखे नारायण नारायण नारायण। फिर तो समझ गया कि जो कृष्ण है ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिताजी कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन से नीचे कूद पड़े और सीधा प्रभु की चरण में लेट गए और लेट करके ठाकुर जी को स्तुति कर रहे हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। बोले कृष्ण कौन है, बोले ये ईश्वर है। बोले ईश्वर का मतलब जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। और ये कृष्ण कौन है, सबका जो मूल कारण का जो कारण है, ये कौन है, ये भगवान कृष्ण है। हाँ देखो ध्यान देखो सुने इधर, हरे कृष्ण। देखो कृष्ण कौन है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हाँ ये जो कृष्ण जो गोविंद देव है ना, जितने 33 करोड़ देवता हैं, इनका कोई है, ये सब भगवान की एक एक सेवक है, लेकिन जो कृष्ण है ये सारे कारणों का कारण श्री कृष्ण है। देखो ध्यान देख रहे सुनो, बोले कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में एक समय कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए, प्रभु की इच्छा हो रही है मैं लीला करूं, लेकिन एक स्वरूप को द्वारा प्रभु लीला नहीं कर सकते हैं। तब रात कृष्ण की बाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और ये राधा रानी से जितने उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी ये जितने शक्ति हैं श्री, ये राधा रानी से ये प्रकट होती है। और कृष्ण का बाम डाहन अंग से बल श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, और यही बलदेव प्रभु से जितने मूल शंकर सर कारण दुगसाई गर्भ दुगसाई खिराब दिसाई जितने विष्णु सबके सब श्री बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं, और जो कारण दुगसाई जो विष्णु है उनसे ही ये जितने अवतार हैं मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह बामन सबके सब इन्हीं से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जो कृष्ण है वो जितने सारे कारण का जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा, वो पीछे जो बच्चे खेल रहे हो ये बच्चों को बोलो बाहर खेल ले, प्रभु जी ये बच्चों को सब बाहर बाहर बोलो बाहर खेलो, ये बाहर निकाल दो बच्चों को,
बच्चे जाओ बाहर जाकर खेलो, जब प्रसाद मिलेगा आ जाना, बाहर निकले जाओ सबके सब। एक गुब्बार गुब्बार वाले बाहर निकलो, अभी मत आओ बाद में आ जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री श्री राम। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। ब्रह्मा जी कहते प्रभु ज्ञान प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवद्यवर्ताम। मतलब भगवान का एक नाम है अजित, अजित मतलब जिनको पाना बहुत ही कठिन है। अरे प्रश्न है क्या फिर प्रभु मिलेंगे? कठिन मतलब प्रभु ही नहीं मिलेंगे? बोले हाँ मिल सकते हैं। बोले कैसे मिलेंगे? बोले जितने तुम्हारी अभिमान है, जितने तुम्हारी ज्ञान पांडित्य पैसा की जितने अभिमान, पहले सारे अभिमान को त्याग दो। त्याग दे करके संतों की चरण में बैठ करके उनकी मुखार बिंद से
भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है उसमें स्नान करते रहो। बोले कैसे स्नान करेंगे? बोले तंग बन मनोभी, बोले काय मन और वाक्य से कथा सुनो। बोले भैया कथा तो कान से सुनते हैं, शरीर से थोड़ी सुनते हैं। इसका मतलब है जहाँ कथा होती है जाकर के पहले अपना शरीर से प्रणाम करो, वहां के धूल लगाओ और हाथ जोड़ करके कथा सुनो शरीर से। बोले मन से तो कथा सुननी चाहिए, नहीं तो कथा ही नहीं सुन सकते हैं। और वाणी से, बड़े वाणी से मतलब जो कथा सुनते हो उसको जाकर के दूसरों को भी बोलना करना। ऐसे नहीं कथा सुने यहीं पर खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए, नहीं। घर में भी जाकर के, पड़ोस में भी जाकर के ये कथा को उनको भी सुनाओ। अगर ऐसे अगर कोई भगवान की कथा सुनते हैं और बोले जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसता हंसते भोग लो, किसको पर दोष मत लगाओ, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करते हैं, हमने जैसे कर्म करते हैं वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। कोई किसी के लिए दोष नहीं देनी चाहिए। और क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भजन करते रहो, लेकिन प्रभु का भजन कभी मत छुड़ा करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुख आएगा ना हैं, बढ़िया आनंद लेंगे। अगर जीवन में थोड़ी सी दुख आ जाए, भले ही कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले भगवान की भजन छोड़, मालाएं पहले रख लें, अपना खाना नहीं छोड़ेंगे, अपना घूमना नहीं छोड़ेंगे, अपना सोना नहीं छोड़ेंगे, पहले तो प्रभु का भजन ही छोड़ने के लिए पहले तैयारी करते हैं। ये भजन कब हमसे छूटे? लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया एक पिताजी की अथाह संपत्ति है, अब ये बच्चे को संपत्ति कब मिलेगी? जब जिंदा रहेगा तब तो मिलेगा, अगर मरी गया उसको मिलेगा कहां से? इसलिए हमारे जो पिता है वो साधारण घर के नहीं, हम किसकी बच्चे हैं? बोले अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र ठाकुर जी के संतान हैं। वो आनंद कंद है, रस स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। भैया ये रस को प्रेम कब पाओगे? जब जिंदा रहोगे तब तो मिलेगा, अगर पहले ही मर गया, मर गया मतलब अगर तुमने भजन ही छोड़ दिया, प्रभु की भक्ति छोड़ दिया, फिर उस प्रेम संपत्ति को जीवन में कैसे मिलेगी? आप लोग ने मिर्या का नाम सुने हो? कौन कौन मिर्या का नाम सुने? तुम्हारे राजस्थान के ही, इसने जो भजन किया आप देखना, उसको पति भी पीछे पड़ गया, उसका ननन, उसकी सास, उसकी देवर, यहाँ तक भी गाँव के एक कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ी, सबके सब उसको पीछे पड़ गए। आप देखना अगर थोड़ी सी कोई प्रभु का भक्ति करना शुरू करे, कंठी तिलक माला लगाना शुरू करना, सारा दुनिया उसको विरोध हो जाता है। लेकिन कोई गंदे रास्ता पर जाए कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रभु का भजन करना शुरू करना जो ना, सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते, बोले भैया भले ही दुनिया छोड़ दे तेरे को, लेकिन तुम भगवान को मत छुड़ा करो। क्यों? एक दिन ये दुनिया तुमसे छूटेगा ही नहीं, चाहने पर भी ये दुनिया तेरे को छोड़ देगा, और दुनिया को तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। लेकिन प्रभु साथ साथ में, प्रभु ही साथ में रहेंगे, प्रभु तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाकुर जी जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, और राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो एक समय एक राजा एक मंत्री थे, मंत्री बड़ा भक्त है, हर बात बात पर कहता था जो कुछ ठाकुर जी करते अच्छे के लिए करते हैं, ठाकुर को भी बुरा हमारी कर नहीं सकते। एक दिन राजा मंत्री दोनों जंगल में घूमने के लिए गए, घूमते घूमते राजा का जो ये कनिष्ठ अंगुल कट गया। राजा ने कहा महामंत्री मेरी ये अंगुल कट गई। देखो मंत्री ने किया क्या, बोले देखो ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं। मंत्री को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरा अंगुल कट गई और तू कहते हो ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं। फिर मंत्री ने बोला, बोले देखो ठाकुर तो मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर तो अमंगल कभी कर ही नहीं सकते हैं, ठाकुर जी जो कुछ करते हैं उसमें जरूर कुछ अच्छा ही है। बोले जो कुछ करते सब में अच्छाई? बोले हाँ। बोले मैं तेरी अच्छाई करते हैं। राजा ने किया क्या, एक अंधकार कुआ थी उसने मंत्री को धक्का मारकर उसमें गिरा दिया। बोले ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते ना, इसके अंदर पड़े रहो।
अभी राजा वापस आ रहा था, कोई एक डाकुओं का सरदार था, उसने माँ देवी को पास में मनोती की थी, माँ देवी मेरे घर में के लाला की जन्म हो जाए, तेरे को मेरे को नर बलि दूंगा। अभी उसको घर में के लाला की जन्म हो गई, दस्यु को बोला जंगल में जो मिले उसको पकड़ करके ले आ। अभी घूमते घूमते मिला राजा, बड़े लंबे चौड़े सुंदर, बोले वाह मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी बलि चढ़ करके। उसको ले आए और उसको स्नान कराए, एकदम नया कपड़ा धारण करवाए, गले में फूलों की माला डाले। अभी मैया देवी को पास में बलि चढ़ाने ले जा रहे थे, राजा तो कांप रहा था, बोले हे भगवान कहां मैं किसकी चक्कर में मैंने पड़ गए। वो कांप रहा था, उसको गला को फंसा दिए, जब तलवार लेकर के काटने जा रहे थे, इतने में उसको अंगुल के ऊपर नजर पड़ा, वो खून टपक रहा था। नियम है मैया को वही बलि चढ़ सकती जो पूर्ण शरीर हो, पूर्ण शरीर नहीं हो तो चढ़ी नहीं सकते, नहीं तो उल्टा हो जाएगी। उसे उठाया था तलवार, अभी काटने वाला था, नजर पड़ गया खून टपक रहा है, उसने तलवार को नीचे कर दिया। बोले महाराज ये मैया देवी के भोग की लायक है नहीं, क्यों, इसका अंग भंग है, अंग इसका परिपूर्ण नहीं, ये कटा हुआ शरीर है, छोड़ दो इसको। राजा को याद आया, बोले भैया मंत्री तो सही कह रहा था, ठाकुर जी जो करते हैं अच्छे ही करते हैं, अगर अंगुल कटा नहीं होता होता तो मैं पूरा के पूरा तो मैया को मैं बलि चढ़ जाता। उसने वापस आया, वो मंत्री को जो कुएं में फेंक कर रखा था उसको निकाला और सारी बात को बताया। बोले महामंत्री तू जो बात बताया ना ये सही निकला। लेकिन राजा ने मंत्री से एक प्रश्न की, बोले ठाकुर तो मेरे लिए जो किया अच्छा ही किया, लेकिन तेरे लिए अच्छा क्या किया, तेरे को तब से अभी तक अंधकार कुएं में तुमने पड़ा रहा, तेरा क्या अच्छा हुई। मंत्री ने कहा अच्छा तो मेरा हुआ, तेरा कहां हुआ है। बोले कैसे, बोले अगर तू मेरे को कुएं में नहीं फेंकता तो दोनों चलते, और तेरा अंगुल तो कटा हुआ तेरे को छोड़ देते, और मैं पूरा के पूरा था मेरे को तो पूरा के पूरा मैया को बलि चढ़ा देते। हाँ इसको विश्वास हो गया, भैया ठाकुर जी जो कुछ करते हैं ना हमारे लिए अच्छे करते हैं, इसलिए ये समझ करके क्या करो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भक्ति मत छोड़, भगवान की भजन मत छोड़ा करो, भगवान की भक्ति करते रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार जोर कर आप बोलो मैं सुनूंगा, हरे कृष्ण हरे, और जोर से राम राम हरे हरे। इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी श्लोक में स्तुति कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी उनको तरफ में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो सखाओं के साथ में खेल रहे थे, एक सखा को गले में गलबेनिया दे करके और हाथ में एक कमल फूल लेकर घुमा रहे थे, और कृष्ण का सखा लोग ब्रह्मा जी को देख करके बोल रहे थे, बोले भैया ये चौमुहा कहाँ से आ गया, मतलब ये चार मुंह वाला कहां से आ गया, अजीब सा कोई प्राणी दिख रहा है। ब्रह्मा जी देखा भैया इतने अच्छी अच्छी बात ठाकुर को मैं स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर जो थोड़ी सी प्रसन्न भी नहीं हो रहे। फिर देखा अभी तक तो ठाकुर को स्तुति करके मैंने देख लिया, अभी थोड़ा सा उनका भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। फिर उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति करते ही बोले अहोति धन्या ब्रज गोर मन्या। बोले भैया ये ब्रजवासियों का क्या महिमा बताए, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में सुहा 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 करते हैं, लेकिन पता नहीं ठाकुर प्रसन्न होते कि नहीं। लेकिन मैंने जो बछड़ा और सखा को मैंने चोरी की, कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बन गए, हर माताओं को घर घर में जाकर के हर माताओं को कृष्ण स्तन पान कर रहे हैं और बछड़े बन करके गैया के दूध पीते हैं। आप लोग देखना जब बछड़ा गैया के दूध पीता है ना कितने खुश होकर के, बच्चे जब माता की स्तन पान करते कितने खुश होकर पान करते हैं। बोले देखो ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, कृष्ण घर घर में बच्चे बनकर के स्तन पान कर रहे हैं, ये कितने भाग्य हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्रा परमानंदम
पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोलिए कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म ये सनातन है। लेकिन होते हुए भी देखो ये ब्रजवासी लोग कितने पुण्य किए हैं, कृष्ण किसकी सखा बन गए। अगर कभी जंगल में कोई पेड़ के ऊपर फल दिखे ना, एकदम गोलाकार में खड़े हो जाते हैं, एक नीचे उसके ऊपर और एक उसके ऊपर और एक, कृष्ण नीचे खड़े होते हैं उसको कंधे पर, दूसरे उसके ऊपर ऊपर, और जिसको फल तोड़ता है पहले तो वो खा लेता है थोड़ी सी, कहते भैया फल तो बड़ा मीठा है, दूसरे सखाओं को देता है वो खा लेता है, तीसरे सखाओ कृष्ण को पास में जाओ ना गुठली और कृष्ण उसको खा कर बोले भैया फल में तो बड़ा मीठो फल है, बड़ा आनंद। मतलब सखा लो कितने सौभाग्यवान, कभी लड़ते लड़ते श्रीदाम को साथ में, श्रीदाम कभी कृष्ण को पछाड़ देता है, मतलब कृष्ण घोड़ा बनते हैं और श्रीदाम को कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं, हैं? कृष्ण जब मक्खन चोरी की मैया यशोदा ने क्या की, उनको उखल में बांध देती है, हैं? विश्व ब्रह्मांड जिनको बांध करके रखे मैया उनको बांध देती है। अगर कन्या कभी मक्खन चोरी करे कृष्ण क्या कहते हैं, मैया सीधा अगर कान पकड़ती है, कभी मिट्टी खाए तो मैया अगर कान पकड़ती है, बोले तुमने मिट्टी खाई तुमने मक्खन खाई, कृष्ण डर से बोल देते हैं मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। इसलिए जब देखो ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, इन लोगों ने क्या पुण्य किया जो ब्रह्म सनातन इनकी सखा बन गए, इनकी मैया बन गए इनकी। अगर राधा रानी तो कभी मान करे ना, फिर तो श्याम सुंदर पता नहीं उनको मनाने के लिए क्या क्या करते हैं, मोर मुकुट उतार कर रख देते हैं, बंसुरी उतार करके रख देते हैं, अपना नाम को किशोर जी की चरण में लिख देते हैं, बोले हे राधे अभी तो मान जा तू, अभी तो मान जा। इसलिए कृष्ण कहते हैं भैया अघासुर बकासुर को मारने के लिए जो कष्ट नहीं हुआ, गिरिराज उठाने के लिए जो कष्ट नहीं हुआ, अगर राधा रानी मान कर लेना, उनको मनाने के लिए पता नहीं मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की, कृष्ण ने थोड़ी सी मुस्कुरा दी। अरे ब्रह्मा को पता चला भैया भगवान की कमजोर कहां पर है, कमजोर कहां पर है। भगवान सिखा देते हैं मेरी सेवा से, मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूं, अगर मेरे भक्तों का सेवा, अगर मेरी ब्रजवासियों की सेवा करे ना, मैं उससे ज्यादा संतुष्ट होता हूं। फिर ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु, अगर कोई कहता है अरे वही गैया चराने वाले, वही मक्खन चोरी करने वाले हम सब जानते हैं, ब्रह्मा कहते भैया मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कह रहा हूँ जिसने ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की है, कहती है धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन कृष्ण की महिमा को कोई था नहीं पा सकते। देखो अब मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक दिन ब्रह्मा को अभिमान हुआ इस चीज की, बोले ये संपूर्ण दुनिया को मैंने बनाने वाले, भूर भूग मोह जन तप सत्यल अतल बीतल तलातल पाताल, ये दुनिया को सृष्टि करते ब्रह्मा और सारा दुनिया को चलाने वाले ब्रह्मा, जैसे अभी टाटा बिरला अब लोग नाम रिलायंस कंपनी वाले अंबानी, उनका इसी जगत में उनको जाकर के पूछना कितना टेंशन है, उनको चलाने में कितना टेंशन होता होगा। अगर एक व्यक्ति का कोई फैक्ट्री हो ना, अगर 2-400 लोग अगर काम करता है, देखना जो मालिक हिंसे भी खा जाता है उसको चलाने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भैया ये दुनिया को सृष्टि करने वाला मैं हूं दुनिया को, लेकिन ये भगवान कभी मेरे को बाहवा नहीं देते। अरे इतना तो बोले कम थैंक यू तो कम से कम बोले, भगवान कभी थैंक यू बोलते नहीं। ब्रह्मा सोचा एक महीना का छुट्टी अगर मैं ले लूं ना, अगर ये गोविंद जी को करना खुद बढ़ जाए फिर तो पता चलेगा भैया मैं क्या करता हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी बोले मैं छुट्टी लेकर देखता हूँ। ब्रह्मा जी आए बोले प्रभु मेरे को एक महीना की छुट्टी दे दे। ब्रह्मा सोच रहे थे ठाकुर तो कम से कम कुछ बोलेंगे, भैया इतना बड़ा तुम काम करते हो एक महीना क्यों, कुछ दिन छुट्टी ले ले एक महीना क्यों, ठाकुर तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन जब उन्होंने बोले छुट्टी लेता, बोले भगवान बोले कोई बात नहीं जा। ब्रह्मा जब वापस आ रहे थे छुट्टी लेकर के, ब्रह्मा सोच रहे थे शायद मेरे जो 4 सर हैं मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा हूं और ब्रह्मा कोई नहीं। इतने में देखा 8 सर वाले ब्रह्मा हंस वाहन के ऊपर बैठ करके बड़े तेजी से आ रहा था। ब्रह्मा बोले भैया ये कहां से आ रहा है, मैं तो सोच रहा था सबसे बड़ा मैं हूं, देखता हूं 8 सर वाले
बोले भैया कहां जा रहे हो? बोले मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा को पूछो। पीछे देखा 16 सर वाले ब्रह्मा, बोले भैया ये कहां से आ गए इतने बड़े? पूछे भैया कहां जा रहे हो? बोले मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा जी को पूछो। देखा 32 सर वाले ब्रह्मा, बोले भैया कहां जा रहे हो इतना तेजी से बोलो तो? बोले पीछे ब्रह्मा को पूछो। देखा 64 सर वाले, ऐसे हजार हजार सर वाले ब्रह्मा, कोई भी इसका बात नहीं सुनते हैं, कहते पीछे पूछो पीछे पूछो। सबसे पीछे जो ब्रह्मा था बड़ी कष्ट से उनको रोका है, बोले भैया तुम कहां से आए हो, कहां इतना तेजी से जा रहे हो? देखो ब्रह्मा क्या कहता है, बोले देखो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जिसका ब्रह्मा तू हो, चार सर वाले भगवान की एक एक लोम कूप में गोविंद जी के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान, ये सबसे तू छोटा ब्रह्मा है। हम जहां से आ रहे हैं इससे डबल 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 ब्रह्मांड ब्रह्मांड से आ रहे हैं। बोले फिर अंदर में क्यों जा रहे हो? बोले भैया एक बार मेरे मन में अहंकार हो गया, मैंने सोचा इतना बड़ा ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला मैं हूँ, ठाकुर कभी मेरे को थैंक यू भी बोलते नहीं, भैया इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैंने सोचा एक बार छुट्टी लेकर के एक महीना देखता हूँ, जब ठाकुर जी को करना पड़ जाए ना फिर तो समझ जाएंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया मैंने छुट्टी लिया ना, मेरे को पूरी छुट्टी हो गई और नौकरी मेरे को नहीं मिल रही है। बोले अंदर में फिर क्यों जा रहे हो? बोले हमने सुना ऐसे ही किसी ब्रह्मा का अभिमान आ गया, उसने नौकरी छोड़ा था, उसमें खाली है, हो सकता है वो पोस्ट मेरे को मिल जाएगी, इसलिए हम तेजी से जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा तो सर पकड़ कर बैठ गया, बोले हे भगवान मतलब मेरी नौकरी गई, मेरी नौकरी गई पर नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, जस प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वृन्दम जद ब्रह्म निष्कल अनंत अनंत भूतम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा कहते जिनकी एक एक लोकूप में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान। इसलिए जो कृष्ण है ना, ये जो गोविंद देव को साधारण मत समझो, देखना इंद्र पूजा बंद करवा दिया, इंद्र पूजा बंद करा दिया, ब्रह्मा जी को भी चका छुड़ा दिए। ये गोविंद ऐसे है ना, वो देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन बड़ा खोटा सा है, वो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड इनकी इशारा पर, सारा दुनिया इनकी इशारा पर चलती है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी चले गए। जब ब्रह्मा जी चले गए, देखो ये बात कौन किसको बोल रहा है, आप लोग कथा सुन रहे कि नहीं, कौन कौन कथा सुन रहे, सुन रहे ये बात कौन किसको बोल रहा है, बोलो, कई कथा नहीं सुन रहे, सब देख रहे हैं कौन कैसे साड़ी पहन के जा रहा है। इसलिए ये जो बात है, ब्रह्मा जी को पास में जब इंद्र गए, मैंने जब अपराध की कृष्ण को चरण में, आप बताओ क्या करनी चाहिए, तब ब्रह्मा जी अपना कथक सुना रहे हैं। बोले मैं भी एक दिन बुरे तरह से फंस गया था, ये जो कृष्ण है ना भैया, ये साधारण नहीं, सबको छका छुड़ाने वाली है। इसलिए फिर ब्रह्मा जी कहते देखो उसका नाम गोपाल है, गोपाल मतलब जो गैया को पालन करने वाला है। एक काम करो, सुरभि गाभी की अनुगत में जाओ, फिर हो सकता है प्रभु गैया माँ है ना, वो माँ को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी और श्री इंद्र फिर सुरभि गाभी के अनुगत में गए, उनको सामने रख करके इंद्र सीधा कृष्ण को चरण में लेट गए और लेट करके भगवान को स्तुति की, बोले हे प्रभु मेरे अपराध का माफ कर दो। भगवान बड़ी डांट लगाए, बोले इंद्र तेरे अंदर में बड़ा अभिमान हो गया था ना, तो ये सोच रहा था मैं स्वर्ग का राजा हूं, अगर बारिश नहीं बरसाऊंगा तो उसे भूखे मर जाएंगे। तुम्हें पता ही ये ब्रजवासी कौन है, ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं, नंद बाबा मेरे पिताजी है, हैं? अगर नंद बाबा कभी कहते कन्हैया मेरी थोड़ा खड़ाऊ ले आओ, कृष्णा ठुमुक ठुमुक करके चलते चलते जाते हैं, उनकी खड़ाऊ को हाथों में नहीं लेकर के, कहते सर पर रख करके खड़ाऊ को मिलाता हूं, हैं? विश्व ब्रह्मांड मेरे झूठन खाते हैं, मैं नंद बाबा का मैया के झूठन में खाता हूं,
दुनिया विश्व ब्रह्मांड मेरे पूजा करता है, मैं स्वयं श्री नंदा जसोदा को ब्रजवासियों को पूजा करता हूँ। तेरे अंदर में अभिमान आ गया था ना, ये अभिमान को मैंने तोड़ने के लिए किया। खबरदार, कभी अभिमान नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी से माफी मांगे, भगवान को अभिषेक कराया, फिर उनको एक अलग नाम रखा, उनका नाम गोविंद नाम दिए। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। जोर से जयकार करो ना, बोले श्री गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। एक भजन सुन लो, फिर कथा सुन लो, ठीक है। भोले वृंदावन विहार राम की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हम लोग कोई कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। जब भजन बोलते हैं तो कोई माता जी बोलती है, कोई नहीं बोलती है। इसके मतलब क्या है मैं जानता हूं। कोई लोग नहीं बोलते हैं ना, क्यों नहीं बोलते हैं पता है? क्योंकि उनका पति का नाम आ जाता होगा, इसलिए नहीं बोलते। अच्छा, पुराने जमाने में माताएं जो है पति का नाम लेते थे क्या? नहीं लेते थे। पुराने जमाने में माता जी कैसे बुलाते थे अपने पति को? आजी सुनते हो जी, सुनो ना, ऐसे बुलाते थे। अभी बुलाते हैं हाँ, लेकिन आजकल आजकल पत्नी कैसे बुलाती है अपने पति को? ऐसे बुलाती है आजकल की पत्नी, बड़े बड़े शहर है, जैसे कि अपने मुन्नी को बुलाया है। तो पुराने जमाने के माता जी जो है वो पति का नाम नहीं लेते थे, लेकिन आजकल लेते हैं। तो हुआ क्या है, एक जगह एक पंडित जी कीर्तन करा रहे थे। वो कीर्तन किया था, सुनिए, रोज कीर्तन कराते थे कि काली अमर दल दंस निकंदन देख की नंदन, काली अमर दल दंस निकंदन देख की नंदन कर शरण। अब हो गया, एक माता जी रोज आगे आकर बैठती थी और जैसे ही पंडित जी कीर्तन कराए, काली अमर दल दंस निकंदन देवी नंदन तब शरणम, तो माता जी के जो पति का नाम था वो देवी नंदन था। अब पति का नाम ले तो ले कैसे, जैसे देवी नंदन आए उस जगह पर ताल बिगड़ दे, लय बिगड़ दे, ना ले नाम। अब हुआ क्या, पंडित जी ने खटकरा लगा कि जाओ तुम जाकर पीछे बैठो, कीर्तन में ताल बिगाड़ती हो, सुर बिगाड़ती हो, पीछे बैठ। तो वो माता जी गुस्सा होकर घर चली गई और घर पे जाकर के रिहर्सल किया, कैसे कि कथा छूट जाएगी नहीं जाएगा, तो रिहर्सल किया घर पे। उनके घर पे दो बेटियां थी, एक का नाम था छोटा और एक का नाम था पुष्पा। अब माता जी घर पे रिहर्सल कर रही है, कैसे देखिए उसी कीर्तन को, कि काली अमर दल दंस निकंदन देवी की नंदन तब शरणम, ये तो पंडित जी कह रहे थे, लेकिन माता जी घर पे ये सब कैसे कर रही है? कि काली अमर दल दंस निकंदन संपत पापा तब शरणम, काली अमर दल दंस निकंदन पुष्पक पापा तब शरणम। ऐसे रिहर्सल किया और दूसरे दिन बिल्कुल आगे आकर बैठे। अब पंडित जी ने वही कीर्तन किया क्या, काली अमर दल दंस निकंदन
तो इस प्रकार जैसे किसी के पति का नाम गोविंद है, किसी के नाम कन्हैया है, किसी का नाम रामचंद्र है, तो इस प्रकार पति का नाम नार मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट, जैसे कि अजामिल ने लिया था, डायरेक्ट भगवान को नहीं बुलाया था अजामिल, आपने बेटे को बुलाया था नारायण, लेकिन उनका उद्धार हो गया इनडायरेक्ट लेने से। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट ले सकते हैं। तो आइए गोविंद में से प्रेम कौन कौन करते हैं, करते हैं कोई? हाथ सभी लोग नहीं उठा, क्या करते हैं क्या? वृंदावन ले जाएंगे सब, पे आइए। अच्छा, ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, ये केवल राधे राधे बोलने से उद्धार हो जाता है जीवन का। तो किसी ने कहा, देखिए कमाई किसकी करनी चाहिए? करने भगवान अति तारात्री सरद उत्पुल्ल मल्लिका सरद मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता। भगवान अभी रास करने के लिए जा रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी रास की वर्णना कर रहे हैं सबको सावधान कर देते हैं, बोले भैया ये जो रास रचया है ना वो साधारण कोई जीव नहीं, ये भगवान है। कोई कोई कहते हैं ना क्या कृष्ण ही रास कर सकते हैं, हम नहीं रास कर सकते, हम भी रास रचा सकते हैं। हैं, देखो एक समय एक घर एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, पति दिन भर काम करता बाहर, लेकिन घर में आए ना रोज महाभारत, रोज महाभारत लड़ाई झगड़ा। बोले भैया बाहर भी अशांति घर में भी अशांति, रोज आओ घर में लड़ाई। उसने सोचा दोनों के लिए दो मंजिली बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जो नीचे रहती है ना, पति जब काम करके आता है वो पहले से ही रोटी सब्जी बना कर गर्म पानी बना करके बैठ रहती है बाहर, पति आए तो हाथ पकड़ कर अंदर ले जाए, लेकिन ऊपर जो रहती है तो परेशान। बोले ये रोज रोज का नाटक है, बोले आज मैं मजा चखाऊंगी। उसने किया कि ऊपर से आ करके नीचे बैठ गई और खाना पीना बना करके, खाना पीना बना करके बैठ गई।
जब पति आए बोले रोज रोज आप ऊपर चले जाते हो, मैं नीचे बैठी रहती हूँ, चलो ऊपर चलो। पत्नी हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रही थी, अभी जो नीचे थी ना बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो आपके लिए खाना बना कर बैठी हूँ। एक तो ऊपर हाथ पकड़ करके ले जा रही थी, दूसरे उनकी टांग पकड़ ली, एक हाथ पकड़ ली दूसरे उनकी टांग पकड़ ली, और कोई उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक उसी समय में उसको घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था। वो चोरी क्या करेगा, वो तो देखने लग गया, नाटक देखने लग गया, बोले ये क्या हो रहा है, घर में दो पत्नी होने पर क्या लड़ाई होती है। देर से उनकी लड़ाई समाप्त तो हुई, देखा घर में एक चोर घुस कर बैठा हुआ। अभी उसको पकड़ करके ले गए पुलिस को पास में, देखो चोर क्या कहता है, बोले पुलिस साहब मेरे को जो दंड देना सब दंड दो, लेकिन एक दंड मेरे को मत दिया करो। बोले कौन सा दंड, बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, मेरे घर में दो पत्नी नहीं होनी चाहिए, मैंने देख लिया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जब रास किया ना, कितने गोपियों को साथ में, बोले 100 करोड़ गोपियों को साथ में, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, कृष्ण मेरे पास में। एक दिन नारद जी द्वारका में पहुंचे, बोले भैया घर में दो पत्नी हो तो दिन भर लड़ाई झगड़ा, लेकिन कृष्ण इतने पत्नियों को कैसे संभाल रहे हैं, और 16,108 रानी उनके लिए अलग अलग राजमहल है। रुक्मिणी को घर में प्रवेश किया, कृष्ण नारद जी को स्वागत करके ले गए और उनको सिंहासन में बैठा करके चरण धोए और चरणामृत लिए, बोले बाबा बीच बीच में आया करना। और कृष्ण उसी समय बच्चों को पढ़ा रहे थे। अभी कृष्ण बिताए देख रहे, दूसरे घर में घुसे सत्यभामा को घर में, देखा भगवान वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, यहीं पर बिताए दिया। दूसरी महल में घुसे तो कृष्ण कहते बाबा जी बड़ी देर में आए हो, बीच बीच में कभी आया करो। बोले भैया अभी अभी तो कृष्ण मेरे को बिताए दिया। फिर कह रहे बड़े दिनों में आए। कालिंदी के घर में प्रवेश किया, देखा वहां पर बैठकर चौगुट गल रहे। अभी जिस जिस घर में नारद जी गए सभी घर में प्रभु को अलग 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 लीला करते हुए देखा। ब्रह्मा तो श्री नारद जी चकरा गए। इसलिए आप भगवान को जिस रूप में भजन करो कृष्ण आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। अगर हमारे मन कोई भर सके ना केवल भगवान ही भर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला को प्रारंभ करने जा रहे हैं, बोले भैया जो रास रचे या जीव नहीं ये भगवान है। ये कौन है, भगवान है। बोले भैया भगवान का मतलब क्या होता है, बोले भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब ये सारे ऐश्वर्य का जो अधिकारी, जैसे बलवान रूपवान धनवान, उसी तरह भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, जिसके अंदर में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में हो वही भगवान। ध्यान देख रहे सुनो, हम कलयुग का जीव है ना, थोड़ी सी कोई रिद्धि सिद्धि वैभव देख लिया ना, भैया अमुक भगवान अमुक भगवान, बताने कितने भगवान आ रहे। भैया भगवान भगवान कोई नहीं है, भगवान तो हमारा केवल गोविंद देव कृष्ण ही भगवान, और कोई भगवान नहीं। हम इसलिए दूसरों के पीछे भगवान भगवान बोले भाग रहे हैं, भगवान की जो डेफिनेशन है ना हमें पता ही नहीं, कभी ग्रंथ तो पढ़ते नहीं, गीता भागवत से तो कोई मतलब नहीं। इसलिए हम सबको पीछे भगवान भगवान बोल करके भागते हैं। देखो 6 चीज क्या, ध्यान देख लो सुन लो, अगर ये 6 चीज को समझ लोगे ना जिसको तिसको भगवान बोलकर भागोगे नहीं। पहले पहला बताए बोले समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, बोले जगत में जितने सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है भारत के नहीं ब्रह्मांड के नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिनके पास में सारे ऐश्वर्य। अभी हम श्री सुदामा जी की कथा सुनेंगे। सुदामा 2 मुट्ठी चिड़िया लाए, लेकिन कृष्ण इच्छा की तो सोने की महल बन गई। अभी कृष्ण चाहते हैं ये मथुरा वासियों को हम ले जाए, कृष्ण इच्छा करते ही एकदम राता रात द्वारका में द्वारकापुरी समुद्र में द्वारकापुरी बैठी गई और सारे मथुरावासी अपने आप वहां पर चले गए हैं। इसलिए ऐश्वर्य मतलब विश्व ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है। ऐश्वर्य बीर्ज, बीर्ज मतलब होता है पराक्रम। अभी तो भागवत कथा सुन रहे हो, कृष्ण पुतना को कितना दिन में मारे थे,
बोले तो कौन बोलेगा? कृष्ण पुतना के जो मारे, कृष्ण का उम्र कितना था बोलो, कौन बोलेगा? केवल कथा सुन दो, कुछ याद नहीं करते। कृष्ण को जब 6 दिन था कृष्ण पुतना को मारे, जब 1 महीना हो गया ना, उन्होंने सकटा सुर को मार दिए, 3 महीना में त्रिणावर्त को, 4 साल में उन्होंने बकासुर को, 5 साल में उन्होंने अघासुर को मारे, 6 साल में कालियों को नाक पर उन्होंने नृत्य की, और 7 साल में कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठाया। गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज कौन कौन गए हो? गिरिराज गए हो, देखे हो, परिक्रमा लगाने के लिए कितना घंटा लगता है? 6, 7, 8 घंटा लगती है गिरिराज को परिक्रमा लगाने के लिए। और कृष्ण कैसे उठाए? बोले बाम हाथ नहीं, बाम अंगुल पर, बाम अंगुल पर नहीं, नख को ऊपर में गिरिराज को, उन्होंने नख को ऊपर में गिरिराज को उठा लिए। लेकिन अभी जिसको भगवान कहते हो, एक 10 क्विंटल के पत्थर लिया, 1 क्विंटल 10 क्विंटल कोई पत्थर लिया और सर पर रखो तो सारे भगवान निकल जाएगा सबके साथ। भगवान 3-3 बार अग्नि को पान किए ब्रज में, जब आग लगी कृष्ण अग्नि पान किए। अभी जिसको भगवान कहते हैं थोड़ा आग ला करके मुंह में दो तो सारे भगवान निकल जाएगी। अभी हम सुनेंगे कृष्ण कालिया हरद में कूदे, कालिया का सर पर नृत्य किए, जहां पर पानी उबला कर करता था, ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ करके जा नहीं पाते थे, आस पास में कोई वृक्ष नहीं था, लेकिन कृष्ण कालिया का सर पर ठाकुर जी नृत्य करते हैं। अभी जो भगवान कहते हैं मुंह में थोड़ा उनको जहर दिला करके देखो, इसलिए हम भगवान का डेफिनेशन नहीं जानते हैं, इसलिए जिसको तिसको पीछे भगवान भगवान, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए कहते जिसको अंदर में पूर्ण ज्ञान हो। अभी हम कथा सुनेंगे, कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन किया। अगर कोई बच्चा सीए करता है ना, डॉक्टरी करता है, इंजीनियरिंग, जिंदगी भर एक विद्या पाने के लिए जिंदगी भर लग जाती है। कृष्ण 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन किया है। और भगवान 3 बार मरे हुए बच्चों को जिंदा करवाए। अभी शांति बनी मुनि को कृष्ण जब बोले, प्रभु बोले हम तो गुरु दक्षिणा दे करके जाना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा, गुरु जी ने क्या मांगे गुरु दक्षिणा? बोले मेरे मरे हुए बेटे को ले आ। और उन्होंने क्या किया, जमपुरी में गए, कृष्ण जमपुरी में गए, उन्होंने शंख बजाया तो स्वयं काल थर 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 कांपते कांपते आए, लगता है मेरा ही नंबर आ गया। बोले मेरा नंबर मतलब क्या? उन्होंने इंद्र ब्रह्मा सभी की अहंकार को उन्होंने चकनाचूर किया, काल स्वयं कांपते कांपते जब महाराज आए प्रभु के चरण में गिरे। बोले प्रभु क्या आदेश है? बोले मेरे गुरु जी के बेटे को ले आओ, मरे हुए बेटे को जमपुर से वापस लाए। फिर मैया को जो पता चला देवकी को, फिर कृष्ण को बोले, बोले कन्हैया मेरे भी 6 बच्चों को कंस मार डाला है, मेरे मन में बड़ी इच्छा देखने की, ला सकते हो? कृष्ण मरे हुए बच्चे को वापस लाते। द्वारका में एक ब्राह्मण था, वो बच्चा जन्म होते ही मर जाता था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, इस बार मैं रक्षा करूंगा, नहीं तो अग्नि में आहुति दे दूंगा, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन जब आहुति देने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने महाकालपुर स्वयं नारायण को पास में लेकर गए, सारे बच्चों को वहां वापस लाए। देखो भगवान का डेफिनेशन है, कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या है? जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को बचा सकते, बचा हुआ व्यक्ति को मार सकते, ये भगवान है। इसलिए यहाँ पर भगवान सभी नहीं हो सकते हैं। हमारी भगवान कौन है बोलो? हमारी भगवान कौन है? जोर से बोलो। हाँ, हमारी भगवान केवल गोविंद देव। अभी जो नए नए भगवान निकल रहे ना, इनको पीछे मत भागो, क्योंकि ये जन्म 84 लाख जन्म में मिला, बाद में मिला। अगर ये जीवन को अगर गोविंद को छोड़कर और किसी की चरण में दोगे तो तुम्हारी जीवन संपूर्ण नष्ट हो जाएगी, ये जीवन तुम्हारी बेकार हो जाएगी। हैं? इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास को वर्णना करने जा रहे हैं, कहते भैया रास रचे या कोई जीव नहीं, रास रचे या कौन है? ये भगवान कृष्ण है, स्वयं ये रास कर रहे ठाकुर जी। कुछ कुछ लोग हैं भगवान की ये रास लीला को सुन करके ले आ रही कृष्ण ये सब गोपियों को लेकर नाच नचे, ये पराई गोपियों को लेकर नाच नचे। ये गोपियां कोई लड़की नहीं थी, ये गोपियां कोई
लड़की नहीं थी, कल ये गोपियां कौन हैं? कहती है पूर्व जन्म में कुछ वेद का मंत्र था, ये वेद के मंत्रों ने कठोर तपस्या की, कृष्ण संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, बोले भैया क्या चाहते हो? बोले गोपियां जैसे तुम्हें भक्ति करती थी ऐसे हमें भक्ति मिले। बोले नहीं और कोई चीज मांगो। बोले हमें वही चीज चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। जब राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। अभी राम को देख करके श्याम की याद आई, बोले प्रभु हमें, हम आपका पति रूप में पाना चाहते हैं। बोले रामा बता रहे कि बोले एक सीता के सिवाय और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। वो सब के सब ये गोपी बन करके आए हैं। कहते हैं और कुछ गोपियां स्वर्ग के जो देवियां थी, इन लोगों ने कठोर साधन की कृष्ण को पाने के लिए। कृष्ण ने कहा तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। जब रामचंद्र ने सीता को वनवास में भेज दिए, अभी हर साल एक यज्ञ करते थे, वशिष्ठ ने कहा पत्नी के बगैर यज्ञ नहीं कर सकते हो, तो सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके यज्ञ करते थे। 11,000 साल तक उन्होंने यज्ञ किया, हर साल में एक एक सोने की सीता बनती थी। बोले भैया इतने सीता गई कहां? जब कृष्ण आए तो सब के सब गोपी बन करके कृष्ण लीला में आए। इसलिए गोपी कोई लड़कियां नहीं, ये गोपी कोई लड़कियां नहीं, नहीं तो शंकर जी फिर गोपी बनकर के रास क्यों में आते? क्यों शंकर जी फिर गोपी क्यों बनते हैं? शंकर जी गोपीश्वर महादेव का नाम सुनेगी नहीं, पर शंकर जी फिर क्यों गोपी बनती हैं? गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। बोले नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा जो कृष्ण भक्ति रस को पान करती हैं, ये कौन है? ये श्री गोपी हैं। इसलिए यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास का प्रारंभ करते हैं, बोले भगवान अपि तरात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरान्तु मनश्चक्रे जोग मायांगमुपाश्रिता। इन्होंने श्री जोग माया को आश्रय करते हुए बंसी बटुक नीचे कृष्ण आए और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्रभु बंसी बजाए, लेकिन बंसी से आवाज क्या निकल रही थी? बोले जगो कलो बाम दृशा मनोहर। बंसी से शब्द निकल रही थी क्लिंग शब्द। देखना ये जो क्लिंग अक्षर है ये बीज मंत्र है, हर मंत्र से पहले देखना क्लिंग। इसमें पांच अक्षर है, इसमें कितना अक्षर है? पांच है। जैसे क ल ई चंद्र और बिंदु, इसमें पांच अक्षर है। बोले ये पांच अक्षर मतलब क्या है? बोले जो विश्व ब्रह्मांड है वो पांच वस्तु के द्वारा बना हुआ है, खिति आग तेज मरुत और पुम, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश। कहते जो क्लिंग अक्षर है इसमें विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। दूसरा अर्थ है का मतलब कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब इनका मिलन, चंद्र और बिंदु मतलब इन्हीं को अंदर में जो दिव्य आनंद की प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण तो ये क्लिंग अक्षर को उच्चारण की, लेकिन राधा रानी सुन रही थी ये बंसुरी से केवल राधे 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 नाम निकल रहा। ललिता सुन रही थी ये बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द निकल रहा है। विशाखा सुन रही थी बंसुरी से केवल विशाखा विशाखा शब्द निकल रहा है। ये गोपियां अपना घर घर का काम कर रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति सेवा कर रही थी, कोई गोदोहन कर रही थी, ये सब कोई श्रृंगार कर रही थी, लेकिन ये बंसी ध्वनि सुनते ही सबके सब अपना काम को वहीं पर छोड़ करके ये सब के सब कृष्ण को पास में आए। लेकिन जब कृष्ण को पास में आए ना, कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई। बोले भैया निकले कौन और निकली नहीं कौन? बोले वही लोग निकल पाए जिनको पति को साथ में कोई संबंध नहीं था, जिनका शरीर शुद्ध था। लेकिन निकल नहीं पाए कौन? जिनको पति को साथ में शरीर का संबंध था, वो शरीर हो गया अपवित्र, वो शरीर कृष्ण सेवा के लायक है नहीं। इसलिए जोग माया ने
उन लोगों को तो निकाल करके छोड़ दिए, लेकिन जिनका शरीर अशुद्ध हो गया था उनको जोग माया घर से बाहर निकलने नहीं दी, पतियों ने उनको बाहर निकलने नहीं दी। खबरदार, रात को बीच में अगर कहीं जाओगे ना, टांग तोड़ दोगे, कहां जा रहे हो सबके सब, उनको वहीं पर उनको रख लिए। लेकिन रखते ही उन लोगों ने कृष्ण विरह में बड़ी दुखी हो गई, बोले हे श्याम सुंदर, हे कमल नयन, हे कृष्णा, हे गोविंद देव, आज हम आपकी ये दिव्य रास में हम सम्मिलित नहीं हो पाए, हमारे ऊपर में कृपा करो। जब उनके हृदय में विरह आई, इतने में विरह के द्वारा उनके अंदर में जो थोड़ी बहुत कमी थी वहीं पर समाप्त हो गया, शरीर का तो वहीं पर रख दिए, लेकिन वो सबके सब आत्मा शरीर से भगवान के पास में आ गए। जब ठाकुर जी के पास में आए, भगवान कहते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा, भगवान उनको संबोधन किया, बोले हे महाभाग्यवती, तुम सबको मैं स्वागत करता हूं। बोले क्यों? क्योंकि तुम लोग ने घर के सारे काम को, घर की सारे बाधाओं को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो, इसलिए मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात तुम लोग आए हो, लेकिन देखो ये वृंदावन के स्वभाव को दर्शन कर, और तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का कर्तव्य है, पति जो कुछ क्यों नहीं हो, लंगड़े लुढ़े निकम्मा कुछ भी क्यों नहीं हो, पतिव्रता नारी का कर्तव्य अपना पति की सेवा करे, पति की सेवा करनी चाहिए। और देखो ये जो अंधकार रात है, ये अंधकार रात है, अंधकार रातों में तुम लोग पतिव्रता नारी हो, तुम लोगों को आना नहीं चाहिए, जाओ घर में वापस चले जाओ। देखो यहाँ पर ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, जो स्त्री जाती है ना, इनके लिए शिक्षा देते हैं, जब बचपन में उनको पिता माता के अधीन में रहनी चाहिए, जब बड़ी हो जाए इनके पति की अधीन में रहनी चाहिए, और जब बड़े बूढ़ी हो जाए उसी समय में उसको बच्चों की अधीन में रहनी चाहिए, उनको बच्चों की अधीन में रहनी चाहिए, ये नियम है। स्त्री जातियों को उदाहरण दिया, जैसे आटा की गोला होता है ना, अगर घर की कोण में रखो देखना चूहा खा जाएगा, अगर इसको छत के ऊपर में रखो कौवा खा जाएगा। इसलिए स्त्री जातियों के लिए भगवान शिक्षा देते हैं, अपना मर्यादा को साथ में हमें रहनी चाहिए, कभी भी अपना मर्यादा को उल्लंघन मत करो। जैसे माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार की तो रावण उठा कर ले गया, अगर हम भी ऐसे अपना मर्यादा को उल्लंघन करेंगे तो हमें भी रावण उठा करके ले जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं रात में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन अभी कलयुग आ गया, अभी ये कलयुग आ गया, ये कलयुग में पता नहीं कौन कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे कोई पता नहीं कौन किधर। इसलिए पहले क्या होता था, देखो आप लोग बुरा मत मानो, पहले होता था क्यों स्त्रियां सती रहती थी, पतिव्रता कैसे रहती थी, ये डाइवोर्स फाइवोर्स क्यों नहीं होता था, पहले क्या होता था बचपन में लड़कियों को शादी करा देती थी, बोले जाओ अपना घर में जाओ, अपना घर संभालो, और अपना घर संभाल करके अपना घर को ठीक ठाक संभालो अपना घर को, इसलिए इतने डाइवोर्स फाइवोर्स नहीं होती थी, घर में शांति बनी रहती थी। लेकिन अभी क्या सरकार कहता है, हमें पुरुषों का जैसे स्त्रियों की ऐसे बराबर अधिकार चाहिए, बोले नहीं ये गलत बात है। माताओं को अंदर में भगवान एक गुण दिया है, स्नेह वात्सल्य भाव दिया, स्त्रियों का धर्म है बच्चों को लालन पालन करें, बच्चों को लालन पालन करें, उनको ठीक से उनको देखभाल करें। अगर दोनों अगर चले गए काम में फिर बच्चों को कौन देखेगा घर में, ये घर गृहस्थी कौन संभालेगा। इसलिए ठाकुर जी जिसको अंदर में जो गुण दिया है ना, वो गुण को ठाकुर को सेवा में लगानी चाहिए, भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते भैया घर में वापस चले जाओ, अपना घर में वापस जाओ, जा करके पतियों की सेवा तुम क्या करो। तब कृष्ण ने कहा देखो तुमको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, जो पतिव्रता नारी होते हैं उनकी पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति। कृष्ण ने एक सुंदर कथा सुनाई, बोले एक समय दो पति पत्नी घर में रह रहे थे आनंद से, घर में एक छोटा बच्चा था जो केवल गुठन पर ही चलना सिखाया अभी तक। थोड़ी देरी पहले पत्नी चूल्हे में रोटी सब्जी बनाई थी, और इसको बाद में बच्चा सो रहा था, पति
कि पति पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया, सो गया तो इतने में बच्चा का नींद खुल गई। नींद खुली तो बच्चा घुटन पर चलते चलते जो आग जल रही थी चूल्हे में वो उसको पास में चला गया। अब भी चूल्हे में बच्चा गिरने वाला, इतने में पत्नी तो घबरा गई, क्या करनी चाहिए मेरे को, क्या करनी चाहिए, पति तो मेरे जंगे को पर सर रख करके सो रहे हैं। अगर मैं अगर जगाने के लिए जाऊंगा पति को, मैं पतिव्रता नारी, मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, हैं? नहीं तो बच्चा चूल्हे में गिर जाएगा। अभी क्या करनी चाहिए, सोच रही है मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा पहला धर्म पति से मरना, भले ही बच्चे को जो कुछ हो जाए। इतने में देखते देखते बच्चा तो चूल्हे में गिर पड़ा। अभी उसका मन में खिलबिल मच गई। थोड़ी देर बाद में पति की नींद खोली, बोले लाला कहाँ, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंगे के ऊपर सर रख रहे सो रहे थे। बोले चलो चलो हम देखते हैं। जब देखा है ना वो जलते हुए चूल्हे में वो बच्चा किलकर मारते हुए खिल रहा था। बोले क्यों, वो अग्नि जब उसकी पतिव्रता धर्म को देखा, ये अग्नि अपना तेज को शांत कर दी। यहां शिक्षा देते हैं, अगर हम पतिव्रता धर्म को रक्षा करेंगे, ये अग्नि भी जिसको सामने शांत हो जाती है। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो तुम लोग पतिव्रता स्त्री हो, अपना पतिव्रता धर्म को तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा हम भी एक स्टोरी सुनाए। बोले बोलो क्या कथा सुनाओगे। बोले एक समय दो पति पत्नी रह रहे थे। अभी पति को कोई विशेष काम के लिए बाहर जाना पड़ा। बोले मैं बाहर जाऊंगा। स्त्री कहती है तुम बाहर जाओगे तो मैं क्या करूंगी, रसोई तो तेरे लिए बनाती हूँ, घर तो साफ तेरे लिए करता हूँ, बिस्तर तो तेरे लिए सजाता हूँ, अगर तू चले जाओगे तो मैं श्रृंगार तो तेरे लिए करती हूँ, तुम जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी। बोले देखो कोई जरूरी काम, मेरे को जाना पड़ेगा। बोले देखो मैं अपना फटो तेरे को देकर जा रहा हूँ, तुम जब तक नहीं आओ ना ये फटो को तुम पूजा करते रहना। अभी वो पति का फटो को पूजा कर रही थी, इतने में पति बाहर से आ गए, दरवाजा खटखटाए। जब खटखट आए गोपियों ने कृष्ण को बोले बताओ अभी गोपियों ये पत्नी को क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब पति आ गए फिर पति की सेवा करना, फटो की पूजा क्या करने का जरूरत है। तो गोपियों ने कहा तुम समझ गए, आंसर मिल गया, तुमने गीता में बताया ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम मम। तुमने बताया ना गीता में जो व्यक्ति मेरे शरण में आज जाते हैं मैं ही जगत का पति माता पुत्र हूँ, तुम ही तो हमें वरदान दिया था रास करने के लिए, तुमने तो बंसी बजा करके हमें बुलाया था ना, फिर क्यों घर में क्यों भेज रहे हो। देखो तुमने जो हमें इतनी बड़ी बड़ी उपदेश दिए हो, तुम गुरु हो गए, तुम हमारी गुरु हो गए। शास्त्र कहता है प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चन, पहले गुरु जी की पूजा उसको बाद में भगवान की पूजा है। जब उन्होंने ये उत्तर दिया ना कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कृष्ण फिर गोपियों को साथ में कृष्ण रास करते हैं। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जब रास कर रहे थे अभी जो एक आंख में काजल पहन करके आई कृष्ण उनको दूसरे आंख में पहना दिया। जो गले की हार को कमर में कमर के करधन के गले में पहन लिया था ठाकुर जी ठीक करके सजा दिया। जो आधा वस्त्र पहन करके आई थी कृष्ण उसको पूरा वस्त्र पहना दिए। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं हमें सुंदर करके कौन सजा सकता है। बोले गोविंद देव ही हमें श्रृंगार करके, गोविंद देव ही हमें श्रृंगार करके हमें सजा सकते हैं। अभी वहां पर क्या हुई है? वहां पर क्या हुई, अगर कभी गोपियों को शरीर से पसीना निकले, कृष्ण दोपटा से पसीना भी पोंछ रहे थे, कभी कभी बोल रहे थे कृष्ण थक गए हो थोड़ा चरण दबा दूं। देखो माता जी को माताओं के अंदर में एक दोष भी। बोले क्या दोष है, अगर पति अगर बहुत प्रेम करे ना उसकी स्त्री को फिर वो पत्नी सर पर चढ़ बैठती है। बोले हमारे बगैर तो इनका कोई काम नहीं होगा। इतने में गोपियों के अंदर में ये अभिमान सौभाग्य मत आया। सौभाग्यवत मतलब होता है इन लोगों ने कृष्ण राधा रानी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा के बगैर तो हम पूर्ण हैं, इनको स्वतंत्र नायिका की भावना आई। लेकिन कृष्ण ने देखा बढ़िया गड़बड़ी हो रही है। बोले क्यों, बोले राशेश्वरी कौन है, बोले राधा रानी वही राशेश्वरी है, लेकिन ये लोग राधा की बगैर ही रास असंभव है।
रास मतलब जहां रस है, लेकिन इनके अंदर में तो राधा रानी के प्रति निगलट भावना आने लग गया और इनके अंदर में सौभाग्य मद प्रकट हो रहा है। सौभाग्य मद मतलब एक गोपी एक कृष्ण, लेकिन कोई ये नहीं देख रही थी कृष्ण सब गोपियों के पास में, वो देख रही थी कृष्ण केवल हमारी पास में कृष्ण, और कृष्ण किसके पास में है नहीं। इतने में कृष्ण राधा रानी मान कर ली, क्योंकि राधा रानी ही देख रही थी हर गोपियों के पास में एक एक कृष्ण है। राधा रानी की मान हो गई, क्या मैं इनको साथ में बराबर हो गई, और गोपियों की अभिमान हो गया। इतने में कृष्ण राधा रानी की मान को मनाने के लिए, गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान होने पर जैसे एक हाथी हस्तिनी को दल को छोड़ दे, जैसे हस्तिनियां पागलिनी बन जाती हैं, ऐसे ही गोपियां कृष्ण प्रेम में पागलिनी होकर के लता पता वृक्ष को सबको पूछ रही थी, हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो। इतने में कृष्ण ने क्या कि राधा रानी रास छोड़कर चली गई थी मान करके। कृष्ण वहां से गए एक कुंज में, बड़े सुंदर एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिए, बोले देखो एक काम करो, हम दो दो होकर के ना कृष्ण को ढूंढने चलते हैं। कृष्ण ने राधा जी के हाथ पकड़ लिए, क्योंकि अभी कृष्ण श्यामा सखी रूप धारण किए हुए और राधा रानी को लेकर के कुंज में गए। सुंदर सुंदर फूल चयन करके राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की। जब श्रृंगार की, गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी, कहां श्याम सुंदर कहां श्याम सुंदर, करते करते इतने में लता पता वृक्ष कोई भी उत्तर नहीं दे रहे थे। बोले हे पृथ्वी, तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तेरे को तो पता होगा कृष्ण कहां गए। इतने में नीचे देखा तो कृष्ण की दो चरण को देखा। अभी इनके अंदर में तीन तरह का गोपियां हैं, एक तटस्थ, एक विपक्ष, एक सपक्ष। देखो ये चीज को समझो, ये तीन तरह का गोपियां क्या है। कुछ सपक्ष मतलब है जो केवल राधा रानी को जो मानने वाले, विपक्ष मतलब है जो केवल कृष्ण को ही भक्ति करने वाले, ये चंद्रावली का पक्ष है। तटस्थ मतलब है जो राधा रानी को भी प्रेम करते हैं और कृष्ण को भी प्रेम करते हैं। वहां पर तीन तरह की गोपियां थी। जब उन्होंने पृथ्वी को देखे, अभी कृष्ण का चरण चिन्ह, क्यों सब कृष्ण के चरण की सेवा करते हैं, वो पहचान गए भैया ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, वो दोनों को बीच में एक प्यारी एक सुंदर एक चरण चिन्ह किसी किशोरी की, क्योंकि जो राधा जी की चरण की सेवा करते हैं उनको पता राधा जी की चरण में क्या क्या चिन्ह होता है। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी और राधा रानी के पक्ष का जो गोपियां प्रसन्न हो गई, बोले भैया यद्यपि कृष्ण को सेवा हम सबके सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण सबको छोड़ करके देखो किसको लेकर गए हैं, यही सखी ही सर्वतम रूप में श्री कृष्ण की चरण की सेवा करते हैं, वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी जोर से जयकार लगा। बोले श्रीमती राधा रानी की। यहाँ पर श्री कह रहे हैं, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की जयकार देकर कह रहे हैं, यद्यपि कृष्ण की अनंत करोड़ों सखियां हैं, लेकिन होने पर भी कृष्ण सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं और कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में सेवा करने वाली कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। लेकिन और थोड़ी दूर गई ना, वो बीच का चरण चिन्ह है नहीं। किसने कहा भैया ये बीच का चरण चिन्ह गया कहां। दूसरी गोपी कहती है ये तो और भी हृदय को पीड़ा देने वाली। बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण को देखो नीचे ज्यादा दबा हुआ है। बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, वो श्याम सुंदर वो सखी को अपना गोद में लेकर कहीं गए, तभी तो चरण चिन्ह नहीं, कृष्ण का चरण ज्यादा दबा हुआ है। कैसे करते 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 जा रहे थे, कृष्ण राधा रानी को निकुंज में श्रृंगार कर रहे थे। अभी इनकी हई हल्ला सुन करके कृष्ण बोले देखो राधे चलो हम यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि एक में तो तेरे को मनाते मनाते इतने समय लग गया, अगर दूसरे अगर देख लिया तेरे को अकेले लाया हूं फिर दूसरे मान करके बैठ जाएगी, क्या दिन भर यही काम करते रहूंगा, इसलिए जल्दी यहाँ चले पड़ो। लेकिन राधा रानी ने सोचा मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया,
क्योंकि ये गोपियां और कोई नहीं मेरी काय विवाह है, मतलब राधा जी की एक एक भाव ही ये एक एक गोपी रूप लिए हैं। जैसे मैं कृष्ण प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दी, ये लोग भी त्याग दिए, लेकिन कृष्ण को मैं अकेला ला करके आनंद ले रही हूँ, लेकिन ये सबके सब मेरी प्रकाश है, ये सबके सब दुखी हो रही हैं। राधा रानी बोली देखो मैं चल नहीं सकती, जैसे मेरे को लाए थे ना उठा करके, ऐसे यहाँ से उठा करके ले जाओ। राधा रानी ये सोच रही थी श्याम सुंदर थोड़ी सी मेरे को मनाने लग जाए, फिर गोपियां फिर आ जाएगी, फिर हम महाराज करेंगे। इतने में कृष्ण बोले क्या मेरे कंधे पर बैठोगे, बोले बैठा लो। इतने में राधा रानी बैठने के लिए गई ना, कृष्ण वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं और श्री राधा रानी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते वहीं पर राधा रानी बेहोश हो गई। अभी गोपियां आकर के राधा रानी को दर्शन करते हुए उनको होश दिलवाया, बोले देखो कृष्ण को ढूंढो मत, ढूंढेगा तो कृष्ण छुपने के लिए कोशिश करेंगे फिर कष्ट होगा, चलो कृष्ण को उनका भजन बड़ा प्यारा है, हम यमुना किनारे में बैठ करके उनके भजन गाएंगे। बोले भैया यमुना किनारे में क्यों गाएंगे, और तो बहुत सारे स्थान था। देखो एक अच्छी बात सुनो, ये यमुना है कौन और ये यमुना किनारे में क्यों गाए हैं। बोले एक समय राधा रानी कृष्ण से गोविंद देव को बोले गोविंद देव हर समय मैं मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, एक दिन आप मान करो मैं आपको मनाऊंगा। कृष्ण बोले थोड़ी पुरुष लोग मान करते हैं, मान तो स्त्रियां करती हैं, पति मनाते हैं इसलिए थोड़ी पुरुष लोग मान करते हैं। बोले आप मान करो ना, मैं मेरे को तो आप रोज मनाते हो, मैं आज आपको मनाऊंगा। कृष्ण ने मान करके बैठी गई। देखो कोई व्यक्ति अगर सचमुच से सोया हुआ हो ना आप उसको जगा सकते हो, अगर कोई जान बूझ कर सो रहे हैं आप उसको जगा नहीं सकते हो, उसको तो मान का कोई कारण था नहीं। कृष्ण तो झूठ मूठ का मान करके बैठ गए। कृष्ण राधा रानी मनाने लग गए, लेकिन किसी तरह से कृष्ण का मान ही नहीं मान रहे, किसी तरह से मान उनके टूट नहीं रहे। राधा रानी बोले हे भगवान मैंने क्यों बताया श्याम सुंदर को मान करो, हाँ क्यों बताया, अभी तक मान ही नहीं टूट रहा है। इतने में उन्हें यमुना नदी के पास में गए, इतने में यमुना ने बोले भैया मैं तो चुटकी बजाते हुए श्याम सुंदर का मान को मैं मना लूंगी। बोले चुटकी बजा करके, बोले हाँ, बोले भैया कृपा करके मनाओ मैं तो थक गई। इतने में जो कालिंदी जो यमुना है वो देखने में कृष्ण का रंग जैसे, कालिंदी रंग पूरा कृष्ण का रंग जैसे, इतने में कालिंदी ने पूरा कृष्ण का ड्रेस को पहना, बड़े सुंदर मयूर मुकुट पहन करके हाथ में बंसुरी पीतांबर पहन लिए, कृष्ण का पूरा सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया। अब देखना लड़के तो सुंदर है, अगर कोई लड़की को अगर लड़का बना दिया जाए ना, लड़का से ज्यादा सुंदर लड़की लगती है। जब श्री कालिंदी ने कृष्ण रूप को धारण की और वहां प्रकट हो गई ना, जितने गोपियां कृष्ण के पास में राधा रानी गोपियां थी बोले भैया ये तो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर ही लग रहे हैं। कृष्ण भी देख करके चौंक गए, बोले भैया तेरा मेरी मैया ने या जमज संतान जन्म दिया था, मेरे को बोला ही नहीं, ये तो मेरे जैसे और मेरे से भी सुंदर है। जितना गोपियां थी ना असली कृष्ण को तो छोड़ दिया, नकली कृष्ण को पीछे चले गए। अभी कृष्ण तो बोले भैया ये क्या हो गया, ये तो सबके सब मेरे को छोड़ दिए, ये सबके सब तो नकली कृष्ण को पीछे चले गए। कृष्ण ने फिर गए, बोले तुम कौन हो, बोले मैं कृष्ण हूं। बोले भैया तुम भी कृष्ण मैं भी कृष्ण हूँ, चलो हम गले में मिलते हैं। जब कृष्ण वो कालिंदी की गले में मिलने के लिए गए, फिर तो श्याम सुंदर को पता चला भैया ये कृष्ण नहीं, ये स्वयं श्री कालिंदी देवी, ये जमुना बटरानी। इसलिए कभी कृष्ण मान करने पर श्री यमुना ने कृष्ण रूप धारण करते हुए ये जुगल को उन्होंने मिलन कराया था, राधा कृष्ण को उन्होंने मिलन कराया था, इसलिए ये यमुना की कृपा से ही राधा कृष्ण का मिलन होता है दोनों को। और ये यमुना है कौन, ये साधारण नहीं, इनको अनुराधा बताया, अनुराधा मतलब राधा जी में जितने गुण हैं ये विशाखा सखी यमुना है, ये सारे गुण इनके अंदर में, इसलिए यमुना की कृपा से ही हमें कृष्ण प्रेम कृष्ण दर्शन मिलता है। फिर गोपियों ने जमुना किनारा में बैठ करके के गीत गाए जिसका नाम गोपी गीत, अद्भुत गीत है। अगर ये भजन को कोई गाओ ना कहीं जरूर वहां पर गोविंद देव का आना ही पड़ेगा,
इसलिए हम लोग इधर उधर के स्तुति गाते हैं, नहीं गा करके रोज घर में गोपी गीत को गाओ, फिर देखना श्री गोविंद देव रोज रोज तुम्हारे घर में आ जाएंगे। क्यों? ये गोपी गीत में इतने आकर्षणीय है, इतने आकर्षण इसको अंदर में, हमारे गोस्वामियों ने तो एक एक श्लोक को दो दो अर्थ बताए अद्भुत रूप में है, एक अन्वय और एक व्यतिरेक रूप में, एक अनुकूल रूप में, एक तो कृष्ण की स्तुति पर रखे और दूसरा है ताना मारते हुए। जैसे किसी पति ने पत्नी को बोला देखो तेरे लिए बढ़िया साड़ी ले आऊंगा, तेरे लिए गहना ले आऊंगा, लेकिन पत्नी नहीं लाए, फिर पत्नी क्या कर ताना मारती है, बाप आपने क्या साड़ी पहना है, क्या आपने तुमने कितना गहना लाए हो, हम तो रोज पहन रहे हैं। लेकिन वो ताना भी पति को बड़ा प्यारा लगता है, पत्नी की ताना भी प्यारी लगती है। उसी तरह यहाँ पर गोपियां राधा रानी कृष्ण को ताना मारते हुए ये भजन गा रहे थे, इसलिए कृष्ण को इसको बीच में प्रकट होना पड़ा। आप लोग गोपी गीत का तो एक श्लोक आप लोग सुन लो प्रभु जी। थोड़ी सी सुन लो, एक तो कृष्ण को स्तुति पर रख, दूसरे उनको ताना मार करके एक श्लोक है, बोले तब कथा अमृतम, बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ना अमृत है, जो तुम्हारी कथा अमृत को पान करेगा जगत में अमृत को प्राप्त होगा। दूसरा अर्थ देखो, गोपियां कहती है कौन कहता है कृष्ण कथा अमृत है, तब कथा अमृतम, तेरे जो कथा करो ना मरेगा, बोले तेरी जो कथा सुनेगा वो मरेगा, बोले कन्हैया तब तक घर में हम स्थिर में रहे हैं जब तक तेरी कथा हमने नहीं सुनी, जब से तुम्हारी कथा कान में पड़ा है ना तब से हमें पागल बना करके, तुम्हारी बंसी ध्वनि ने हमें पागल बना करके दुनिया में घुमा रहा है, हैं दुनिया में हमें घुमा रहे हैं, इसलिए बोले तप्त जीवनम, जो तुम्हारी कथा सुनेगा उसका जो उत्तप्त जीवन, जो दुखमय जीवन शांत हो जाएगा। गोपियां कहती है कौन कहता है कृष्ण कथा सुन करके जीवन शांत हो जाएगा, जब से तुम्हारी कथा कान में पड़ा ना तेरी विरह में दिन रात हम जलते रहते हैं, तेरी विरह में हृदय उत्तप्त तो हो रहा है, हैं? इसलिए यहाँ पर बोले श्रवण मंगलम, जो सुनेगा कृष्ण कथा जीवन में मंगल होगा। गोपियां कहती है कौन कहता है मंगल होगा, बोले श्रवण अमंगलम, तेरी कथा सुनने पर अमंगल अमंगल होता है, मतलब क्या है
तेरी कथा जो सुनेगा ना, देखो आप लोगों ने कथा सुने तो घर बार सब छोड़ चढ़ गया बैठे हैं, इसलिए उसका प्रेम में जो है वो पागल हो जाते है ना, इसलिए कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटे नारी के। बोले ये जितने पागल है ना सब झूठा पागल है, लेकिन ये सच्चा पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी के। इसलिए गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर तुम्हारी कथा को जो सुनते हैं दिन रात पागल होकर के तेरे प्रेम में राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो। इसलिए जब इन लोगों ने ये भजन गाए श्याम सुंदर स्वयं उनको बीच में प्रकट हुए। प्रकट होने पर गोपियों ने अपना उत्तरियों को उतार करके आसन दे करके भगवान को बैठाए। बैठा करके उनको तीन प्रश्न करते हैं, बोले कन्या ये बताओ जो भजन करने वालों को जो भजन करते हैं वो कौन है। दूसरी प्रश्न है करे नहीं करे तभी भजन करते हैं ये कौन है। तीसरा प्रश्न है करे नहीं करे तब भी प्रेम करते हैं बताओ ये तीनों में तुम कौन हो। कृष्ण ने कहा देखो गोपियां जो भजन करने पर जो भजन करते तो बढ़िया है, जैसे 100 रुपया लेकर दुकान में जाओ 100 रुपया की माल मिल जाएगा पर ले आओ वहां पर कोई प्रेम की बात है ही नहीं, पैसा दिया माल मिल गया वहां पर प्रेम थोड़ी है। बोले करे नहीं करे तभी प्रेम करते हैं। बोले ये कौन है, बोले ये पिता माता। भले ही बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए लेकिन ये पिता माता क्या सोचते हैं, मेरे लाला है ये मेरे संतान ही है। इसलिए पिता माता की हृदय समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन पिता माता की हृदय समझना। एक समय को एक प्रेमिका थी, अपना प्रेमिकों को बोला देख तभी तेरे को मैं प्रेम करूंगी अगर तेरे मैया की दिल को तुम लेगा आ जाओ मार करके अगर दिल ले आओगे। वो प्रेमिका की पागल में गया मैया को मार करके और उसको दिल ले करके आ रहा था, आते आते इतने में बीच में उसने ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैया के हृदय से आवाज आ रही है बोले बेटा तेरे को तो चोट नहीं लगा, तेरे को चोट तो नहीं लगा। इसका मतलब है माता जी की हृदय बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें पिता माता की सेवा करनी चाहिए, पिता माता की चरण छूनी चाहिए। इसलिए भगवान राम क्या करते थे, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण की सेवा करते थे, क्योंकि पिता माता की आशीर्वाद से बच्चा फलता फूलता है, ठीक है ना। इसलिए जरूर पिता माता की सेवा करें। ऐसे नहीं घर में एक बहू आ गई, इतना दिन जो पिता माता हमारी सेवा किया पिता माता कुछ नहीं, अभी बहू सब कुछ होगी, अब पिता माता को अलग निकाल दो, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। हर समय हम जैसे पिता माता की सेवा करेंगे ना सास ससुर की, हमारा बेटा भी हमारा ऐसे सेवा करेगा, ठीक है। इसलिए बोले तीसरा तरह का कौन है, करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं। बोले ये होते हैं चार तरह के, आत्मा राम आपका काम गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्णा तू तो आत्मा राम आपका काम है ही नहीं, लगता है तू गुरु द्रोही अकृतज्ञ है, क्योंकि तुम्हारी प्रेम का गुरु तो राधा रानी ना, तो प्रेम सीखा कहां से, ये गोपियों से राधा रानी से तो तुमने प्रेम सीखा है, और तुमने बंसुरी बजा करके हमें बुलाया और बीच रात को छोड़कर तू चला गया, लगता है तू कौन है गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। कृष्ण ने कहा भैया मेरे को ऐसे मत कहा करो। बोले देखो प्रेम की दो पहली होती है, एक मिलन और एक विरह। लेकिन मिलन में क्या होता है, वो सामने सामने मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं। लेकिन विरह से क्या होता है, ऊपर से तो अलग होते हैं लेकिन अंदर से मिलते हैं। जैसे पति तुम्हारी कहीं दूर देश में ना, कहीं दूर देश में पति, दिन भर पत्नी पति की चिंता करती है कब आएंगे, अभी नहीं आए। लेकिन पास में होने पर कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, हैं? पहले बताते ना पत्नी पहले कैसी लगती है, बोले ये लगती है चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर तो सूर्यमुखी, पर लड़ाई झगड़ा। लेकिन अगर पति अगर दूर तुम्हें रहता है, पत्नी दिन भर सोचती है, साल में 2 साल में 10 साल में आए, देखना पत्नी कितने पति की सेवा करती है। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो गोपियां मैंने तुम लोगों को कहीं छोड़ा नहीं, मैंने कहीं नहीं छोड़ा, मैं तो तुम्हारे बीच में ही था। लेकिन इस जगत में तुम्हारी प्रेम क्या है, तुम्हारी प्रेम को दुनिया को दिखाना चाहता था, मैंने तुम्हें त्याग दी तभी तो तुमने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए, तभी तो ये गोपी गीत को गाई। मैंने तुमको त्याग दी तभी तो तुम्हारी अंदर में इतनी भावना
इतने अद्भुत अद्भुत भावना कब प्रकट हुई? जब मैंने तुमको त्याग दी, इसलिए मेरे को ऐसे मत कहा कर गोपियां, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं अकृतज्ञ नहीं। इसलिए कृष्ण कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, वो करुणा के सिंधु दीनों का बंधु भगवान है। फिर तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई, फिर भगवान महाराज किया, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सारे देवता लोग उतर करके आ गए, बड़े सुंदर वाद्य बजा रहे हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। और उसी समय में शंकर जी गोपी बन करके प्रभु की रास दर्शन करने के लिए आते हैं और ईशान कोण में बैठ गए। कृष्ण ने कहा देखो आज हमें रासों में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया। अभी गोपियों ने ढूंढ लगे, ढूंढते ढूंढते देखा कोने में एक कोई नई गोपी बैठी हुई कुंज को अंदर में। गोपियों ने पूछा भैया कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म हुई है, तेरे सास का नाम क्या है, तेरे ससुर का नाम क्या है, तेरे देवर का नाम, जेठ का नाम क्या, तेरे खसम का नाम क्या। अभी वो तो कोई गोपी नहीं, वो तो गोप है। अभी शंकर जी चुप, मुंह से कोई बोली नहीं निकले, बोले भैया समझ गए भैया यही दुष्ट है, हैं? फिर शंकर जी को चोटी पकड़ कर निकाले, शंकर जी जोग माया कृष्ण को बुलाए। इतने में कृष्ण आ गए, बोले भोले तुम ये क्या, बोले प्रभु आप जो बंसी बजाई ना ये कैलाश लोक में भी ये बंसी ध्वनि पहुंची, मेरे मन में भी इच्छा हुई तेरे साथ में नृत्य करूं, तेरे रास दर्शन करूं। देखो ये गोपी भाव कितने महान। कृष्ण कहते शंकर जी आप ऊपर में ही गोपी रूप धारण किए लेकिन हृदय में आपकी गोपी भाव नहीं, इसलिए आज से वृंदावन में आप श्री गोपीश्वर महादेव रूप में यहाँ पर चौकीदारी का काम करो। इसलिए वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, गोपीश्वर महादेव को दर्शन किया कि नहीं, गोपीश्वर महादेव को देखे कि नहीं? हाँ देखो नियम है, क्योंकि शंकर जी उनको वहीं पर उन्होंने क्षेत्रपाल रूप में निवास दिलाया। नियम है जब ब्रज में तभी प्रवेश होगा जब शंकर जी के आदेश लोगे, क्योंकि वहां के क्षेत्रपाल शंकर जी है, उनके आदेश के बगैर उनके दर्शन के बगैर कहते वृंदावन दर्शन करने का फल तुम्हें पूरा फल तुम्हें नहीं मिलेगा, शंकर ही आदेश देते हैं अंदर में प्रवेश करो। भगवान उनको वहीं पर उन्होंने निवास दी। दिन में दर्शन करोगे शिवलिंग का दर्शन है, शाम को देखोगे शंकर जी को गोपी रूप में, शंकर जी को श्रृंगार करते गोपी रूप से उनको श्रृंगार होती है। देखो शंकर जी की दो स्वरूप है, ध्यान देखो सुनो, एक स्वरूप में शंकर तो दुनिया की धन दौलत पुत्र परिवार को देकर के जीव को वंचना कर देते हैं, ये इनकी असली कृपा नहीं है। शंकर जी की असली कृपा क्या है, जीवों को प्रभु की भक्ति प्रदान करते हैं, ठाकुर जी को प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे श्री सनातन गोस्वामी जहाँ जहाँ रहते थे वो शंकर जी के पास में रहते थे, शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त हैं। इसलिए इनका एक मंत्र है, बोले श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम वृंदावनाधिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नारदेश गोपीश्वर ब्रज विलास जुगांग्री पद्मे प्रेम प्रजा चमित राम निरुपाधिका में। देखो अगर इसी मंत्र से शंकर जी को पूजा करोगे ना आपको राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति होगी। शंकर जी राधा कृष्ण की हमें भक्ति प्रेम दे करके संसार का बंधन से हमें गोलोक वृंदावन शंकर जी भेज देते हैं। इसलिए शंकर जी को गोपीश्वर शिव रूप में प्रार्थना करना और उनसे भगवान की भक्ति और उनकी प्रेम शंकर जी से मांगना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री श्री राधे। प्रभु जी रास का एक सुंदर भजन आपको सुनाएंगे। बोले रास बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राधे। देखो गोपुर में देखो वृंदावन में देखो मुरली वादे
Thank you.
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। कुछ बता सकते हैं? कुछ थोड़ी बहुत एक माइक दे दो। हरे कृष्णा। हाँ देखो, आज भागवत कथा की विश्राम का दिन है। आज भागवत कथा की समाप्त नहीं, भगवान का कथा कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसलिए हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, लेकिन हम चाहते हैं जैसे यहाँ पर आनंद आ रहे हैं, आपका घर में भी ये आनंद हो। क्योंकि जिस घर में भगवान की भक्ति भजन हो ना, ठाकुर जी कहते हो घर में ही वो भगवान का धाम ही है, भगवान की धाम है। जब घर में भगवान की भक्ति भजन होता है, कृष्ण को जब नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, ठाकुर स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों का हृदय में नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हो, बोले जहाँ पर कीर्तन भजन पूजा होता है मैं वहीं रहता हूँ। अगर आपका घर में ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन होना, आपका घर में ही ठाकुर, आपकी घर में ठाकुर जी। देवी जी माता जी खड़ी हुई है, ये भी साइंस, बच्चों को साइंस पढ़ाती है। इनका जो पति है ये प्रिंसिपल है इनका पति। कल हम इनके घर में गए थे कीर्तन सत्संग करने के लिए गए थे। उनके उन्होंने का जो ऊपर जो फ्लोर है ना, पूरा उन्होंने ऊपर फ्लोर को उन्होंने ये सत्संग करने के लिए उन्होंने फ्लोर पूरा छोड़ दिया। और बड़े सुंदर घर में, ठाकुर जी घर में हैं, इनके बच्चे भी है, पति भी है। और हर किस दिन तुम्हारे घर में प्रोग्राम होता है? वेडनेसडे को इनके घर में भक्त लोग आते हैं, कीर्तन होता है, कथा होती है। इनकी एक छोटी बेटी भी है, गले में कंठी माला पहनती है, हरिनाम करती है, हैं? जिस घर में बच्चे भजन करें, भक्ति करें, भगवान स्वयं कहते हैं उनकी 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। उसकी माँ की जो कोख है, जिस माँ ने
वो बच्चे को जन्म दिया, ये माँ के जीवन ही धन्य हो जाती है। जितने पितृ पुरुष पहले चले गए वो वहां से नाचना शुरू कर देते हैं। अहो भाग्य हमारी घर में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म लिए। अगर बच्चे भक्ति नहीं करते हैं ना, हमारे पूर्वज लोग हमें अभिशाप देते हैं, बोले कुल्लांगार से जन्म ले रहे, कोई काम की नहीं, भजन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सड़सड़ करके हम मर रहे हैं, अभिशाप देते हैं। इसलिए भागवत कहता है सबर करो वा कुरु तो सफर जिया। अगर यहाँ से यहाँ तक तो सोने की कंगन पहन कर रखे, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते हो, बोलिए मरा हुआ हाथ है। हैं कान दी अगर कृष्ण कथा नहीं सुनते हो तो भी है, आंख दी अगर कृष्ण दर्शन नहीं करते हो तो मोर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख है। बोले प्यार दिया ठाकुर की मंदिर की परिक्रमा तुलसी परिक्रमा नहीं करते हो, बोले ध्रुव जन्म भाजो, वो प्यार नहीं कहते, वो वृक्ष जन्म है, हैं? इसलिए तभी ये जीवन का सार्थकता जब हम इसी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाए, ठाकुर जी की सेवा में लगाए। हम चाहते हैं हम ऐसे कुछ आपको दे करके जाए, आपका घर वृंदावन हो जाए। हम चाहते हो आपके घर वृंदावन बने, कौन कौन चाहते हो घर तुम्हारे वृंदावन बन गया, सबके सब चाहते हो, लेकिन वृंदावन बनेगा कैसे? जब घर में भक्ति हो तभी तो वृंदावन बनेगा ना। ठाकुर की भक्ति हो, अगर तुम्हारे बच्चे भी माला करते हैं, आप भी माला करते हो, घर में ठाकुर को भोग लगती है, घर में कीर्तन, तब तो वृंदावन बनेगा घर, हैं? तभी तक वृंदावन बनेगा ना। अगर ये चीज नहीं करोगे ना, घर वृंदावन नहीं शमशान बन जाएगा। बोले शमशान किसको कहते हैं? बोले जहाँ पर मुर्दा जलता है, जहाँ पर मुर्दा जलता है उसको शमशान कहते हैं। फिर घर में शराब आना शुरू हो जाएगा, मांस खाना बच्चे शुरू कर देंगे, हैं? मांस खाना शुरू कर देंगे, उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देंगे, फिर घर घर नहीं रह जाएगी, ये शमशान भूमि बन जाएगी, हैं? इसलिए हम चाहते हैं आपका घर एक एक भगवान की धाम बन जाए। अभी माता जी कैसे अपना घर को आप वृंदावन बना सकते हो? घर में रहते हुए हम ऐसे लगे हम घर में नहीं, ठाकुर का इनके घर में जाओगे, बहुत बड़ी मकान है इनकी, ऊपर हम कल गए थे, बड़े सुंदर चारों तरफ में ठाकुर ठाकुर को सजा करके रखे, पूरा एक फ्लोर को पूरा के पूरा भगवान की मंदिर का स्वरूप दिया है, हैं? भक्त लोग जहाँ पर कीर्तन कथा करके भक्त लोग करते हैं, और दोनों पति पत्नी काम भी करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। इसलिए ऐसे काम धाम छोड़ दो नहीं, सब कुछ करो, लेकिन जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, ठाकुर जी की पैसा खूब कमाओ, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो? बोले ठाकुर की सेवा के लिए, पैसा लक्ष्मी है नारायण की सेवा के लिए बना रहे हैं। बोले खाना क्यों बना रहे हो? खुद खाने के लिए? बोले नहीं, ठाकुर जी को भोग लगेगा। घर क्यों साफ कर रहे हो? बोले भगवान की दरबार है। बच्चे को क्यों प्यार देते हो? ये ठाकुर जी के बच्चे हैं, ठाकुर जी ने ये बच्चे ठाकुर जी ने दिए हैं, ठीक है ना। सब काम को करें लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में जोड़ कर करनी चाहिए। अभी प्रश्न है ये भावना कब तुम्हारी हृदय में आएगी, ये भाव को तुम्हारे हृदय में कौन भरेगा? भक्त लोग भर सकते हैं। इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई। जैसे सात दिन तक कथा सुने, सात दिन तक कथा सुने ना, मैंने कल आपको चार बहू की कथा सुनाई थी, किसको किसको याद बोलो तो, करके सबके सब याद है, बताओ कौन सा बहू लास्ट समय में साथ दी है? कौन सा बहू? चौथी बहू। वो चौथी बहू कौन थी? वो चौथी बहू कौन थी बोलो? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। पहला पत्नी थी शरीर, जिस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, शरीर अंतिम समय में यही रह जाएगी। दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर थी, कौन है? कहती है पैसा, शरीर छूटते ही पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, एक भी सुई साथ धागा यहाँ से नहीं जाएगी, वो गई। तीसरी पत्नी कौन? बोले परिवार वाला। बोले पत्नी कहाँ तक चलेगी? बोले दरवाजा तक, उसको आगे नहीं चलेगी। परिवार कहाँ तक चलेंगे? शमशान तक, उसको आगे कोई नहीं चलेगी। लेकिन जिस पत्नी को उसने जीवन में सबसे ज्यादा उसने नेग्लेक्ट कर रखा था, बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन जब पूछा वही केवल साथ में जाने के लिए तैयारी हुई, और दुनिया में जिसको प्रेम करता था सबके सब नहीं रह गए। चौथी वही भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम है यही चौथी बहू। अगर इसको बोलो थोड़ा हरि नाम करो, बोले जी का काम धाम नहीं, वही बैठ करके माला जप करते हैं। हमारे बहुत हम टीवी देखेंगे, घूमेंगे, खाने खाएंगे, गप्पे मारेंगे, हैं? लेकिन भगवान को जीवन में, प्रभु का नाम को जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अंतिम समय पर
केवल प्रभु का नाम ही साथ में चलती है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक धीमरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बोले लुटे नहीं जावे टूटे नहीं जावे दीन दीन भरत सब। ये ऐसे के धन नहीं, जो कमाएगा ना ये धन को केवल वही मालिक बनता है। अगर इसको अगर पत्नी कमाएगी पति नहीं ले सकते, अगर पति कमाएगा पत्नी नहीं ले सकते हैं, अगर इसको बच्चे कमाएगा तो उसको पिता माता नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसको पिता माता कमाए तो बच्चे नहीं ले सकते हैं, उसको कोई भी तुमसे छीन करके नहीं ले सकते हैं। जितने इसको जप करोगे अगले जीवन में मीरा कहती है दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर किसको बोल भजन के लिए, देखो बुरा मत मानो, लोग क्या कहते नहीं थोड़ा पैसा कमा करके जाओ ना, बोले किसके लिए, बोले बच्चे के लिए। देखो हमारे गुरु जी कहते थे बोले बच्चे के लिए पैसा कमा कर रखने का जरूरत नहीं, बच्चा होनहार बनेगा तो कमाएगा, अगर बच्चा अगर बिगड़ गया ना जितने पैसा कमा करके जा रहे हैं किसकी बच्चा ज्यादा बिगड़ता है, जिसका पिता जितने पैसा रख कर गया वही जुआरी गंजड़ी भंगड़ी शराबी वही बनता है। इसलिए ऐसे धन कमाओ जो कि इसी जीवन में तुम्हारी काम में आए और अगली जीवन में तो पूरा के पूरा काम आएगी। इसलिए दीन दीन बढ़त सवायो जो बढ़ती है। इसलिए ये प्रभु का धन चौथा प्राणी है। अभी माता जी कुछ बताएंगी घर में कैसे हम प्रभु के जीवन को अपना धन्य बनाए, माता जी कुछ बताएंगे। इधर आ जाओ, ये माइक का साउंड दे दो। गुरुवर को वैष्णव को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी महाराज जी ने इतनी अच्छी हमें शिक्षाएं दी है, साथ ही उन्होंने बोला ठीक चल रहा है। अगर हम कोशिश करें उनको अपने जीवन में उतारने की तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसमें जब हम किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारी यहाँ की करेंसी काम नहीं आती, यहाँ के जो पैसे हैं वो अपने काम नहीं आते, हमें करेंसी चेंज करवानी पड़ती है। तो इसी तरह से जब हम मृत्यु के बाद जब हम जाएंगे यहाँ से तो जितना भी आपने यहाँ पे कमाया है वो सब कुछ हमारे काम नहीं आएगा, वहाँ पे जो करेंसी काम आएगी वो हरि नाम है केवल। तो अभी आप जितना हरि नाम अभी कमा लेंगे वो ही आपके बाद में काम आएगा। मरना तो सभी को है, कोई भी ऐसा तो है नहीं ना यहाँ पे जिसको मरना नहीं है। तो ये जो सब महाराज जी हमें बता रहे हैं वो सब हमारे लिए है। जो अगर अमर है, जो नहीं मरेगा वो छोड़ सकता है इसको, अदरवाइज जिसको भी मरना है उसके लिए ये सब महाराज जी ने बताया है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, विधि और निषेध। मतलब कुछ डूज होते हैं कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ करना होता है। जैसे हम यहाँ कथा सुनने भी आ रहे हैं तो कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं कि मतलब ध्यान से कथा सुनना है डूज और अपने उसको जीवन में उतारना है। डोंट्स मतलब हमें बातें नहीं करनी है, यहाँ पे महाराज जी जो बता रहे हैं उसी को ग्रहण करना है, यहाँ पे आके अपने को दूसरी फालतू बातें नहीं करनी है। उसी तरह से जो अध्यात्म जीवन है, जब हम अध्यात्म जीवन में प्रवेश करते हैं तो गुरु महाराज हमें बताते हैं कि उसमें भी क्या विधि है और क्या निषेध है। उसमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं, जैसे महाराज जी हमें पहले बता चुके हैं कि चार नियम हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। उसमें जैसे सबसे पहले आता है मीट ईटिंग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। तो वैसे तो शायद यहाँ पे मांसाहार कोई भी नहीं करता, पर मांसाहार में जैसे महाराज जी ने पहले भी बताया था मांस मछली अंडा इन सब के अलावा और क्या आता है, लहसुन प्याज भी उसके अंदर आता है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो भी महाराज जी ने हमें बताया था। तो मांसाहार जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, धर्म का एक पिलर है दया, वो उसमें खत्म होता है। तो इसीलिए हमें यह मांसाहार नहीं करना है। जब आप हरि नाम को अपने जीवन में लेके आएंगे तो धीरे धीरे आपका जो प्याज लहसुन है वो भी आपके किचन से आउट हो जाएगा। दूसरा महाराज जी ने हमें बताया था जैसे कि नशा नहीं करना होता, तो नशा में जो अल्कोहल है वो तो है ही है, और इसके अलावा क्या बताया था, चाय कॉफी जो है वो भी एक नशा है क्योंकि वो एक एडिक्शन है। जो चाय पीता है उसको इतनी ज्यादा चाय की तलब होती है, वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहा हो जब उसका चाय का टाइम आता है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे चाय चाहिए अभी। तो धीरे 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 हमें कोशिश करना चाहिए, मतलब एकदम से तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, पर धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि उसको भी धीरे धीरे हम खत्म करें। थर्ड इसमें आता है आपका गैम्बलिंग, जुआ खेलना। जुआ में जैसे शेयर मार्केट एंड ऑल ये सब भी आता है, क्योंकि जब हम जुआ खेलते हैं तो उससे सत्यता खत्म होती है।
तो धीरे धीरे हमें उससे भी बचना है। और फिर फोर्थ आता है व्यभिचार, इलिसिट सेक्स, इसमें से आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड ऑल, इससे हमारा पवित्रता खत्म होता है। तो ये भी मतलब नहीं करना है। ये भी जब ऐसे कोई भी चीज़ एकदम से लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे अभी जैसे महाराज जी ने बताया तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जब हम भगवान की कथा धीरे धीरे सुनते जाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपके जीवन से हटती जाएंगी। तो ये डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने हैं। धीरे धीरे हम प्रयास करें कि ये करने की हम ये ना करें हम। फिर कुछ डूज आते हैं, डूज मतलब हमें क्या करना है। हम लोगों ने भी जब अपनी भक्ति लाइफ स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में हम लोग भी चाय पीते थे, प्याज लहसुन हम लोगों के घर में भी आता था, लेकिन हमें बताया गया कि आप छोड़ने का प्रयास मत करो, आप ऐड करो। ऐड क्या करना है, हमें भगवान का नाम ऐड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एसोसिएशन, अच्छे लोगों का साथ। तो जो आप भक्तों का जब साथ करते हैं तो धीरे 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 धीरे, और जब भक्तों के साथ में आप जब हरि नाम लेते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप आपसे छूट जाती हैं, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। हरि नाम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका जब आप खुद टेस्ट करेंगे तो आपको अपने आप ये चीज़ फील होगी। जब स्वामी महाराज विदेश में गए तो ये जो सारी चार चीज़ें हैं स्वामी महाराज ने मना किया वहाँ पे कि ये चार चीज़ें नहीं करनी है। तो वहाँ लोगों ने बोला कि हम तो करते ही ये चार चीज़ें, तो स्वामी महाराज ने उनको हरि नाम दिया, हरि कथा दिया, उनको अपने हाथों से बना के प्रसाद खिलाया। जब ये काम हुए तो जो हिप्पीज थे जो कि ये चारों बहुत बुरी तरह से इन कामों में लिप्त थे, उन्होंने ये सब छोड़ दिया, हरि नाम अपनाया, और हिप्पीज से क्या हो गया, हैप्पीज हो गए वो। आज आप जैसे वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन आपने देखा होगा, बहुत सारे वहाँ पे फॉरनर्स हैं जो हरे कृष्णा हरे रामा पे बहुत डांस करते हैं, बहुत मतलब उनका लाइफ एक सेलिब्रेशन बन गया, उत्सव बन गया एक इस हरि नाम से। ये हरि नाम इतना पावरफुल है। जो नव योगेंद्र थे निमी महाराज की सभा में, उन्होंने बोला कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर इसमें कोई हरि नाम लेता है तो वो बैकुंठ जा सकता है, इतना पावरफुल है ये हरि नाम। तो आप एटलीस्ट वन माला से स्टार्ट करिए। एक माला करने में केवल 7 मिनट लगते हैं हमको, 5 से 7 मिनट एक माला करने में। तो भगवान ने हमें 2400 घंटे में सांस देता है भगवान। जब हम बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर का अगर चार्ज लेता है हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर उसका चार्ज लेता है, लेकिन भगवान ने ये ऑक्सीजन आपको फ्री में दिया है। तो भगवान 24 घंटे आपको सांस दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है। हम उसके लिए 7 मिनट नहीं निकाल सकते, बोलिए निकाल सकते हैं ना 7 मिनट तो उसके लिए। तो एटलीस्ट सुबह जल्दी उठ के, या और इसके लिए चेतन महाप्रभु ने बताया है ना, नियमित ना काले, कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, आप कभी भी हरि नाम ले सकते हैं। आप एक माला से स्टार्ट करिए। फिर महाराज जी ने बोला है कि आपकी कॉलोनी में भी हर हफ्ते या महीने में 2 बार प्रोग्राम स्टार्ट हो, जिससे कि आपको भक्तों का साथ मिले, क्योंकि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एसोसिएशन के हम नहीं कर सकते। फिर आप भागवतम और भगवद गीता पढ़ना, अब थोड़ा टाइम निकाल के। अब क्या होता है, जैसे शाम को जैसे हम फ्री होते हैं 7 बजे ऑफिस से, प्रभु जी लोग भी घर आते हैं, तो क्या करते हैं, टीवी चला के बैठ जाते हैं। कहते हैं पहले रावण जो था उसके 10 सिर थे, लेकिन आज 100 सिर वाला रावण घर में है। रिमोट लिया और खटखट चैनल बदल लिए, उसमें 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बेटर है कि हम आधा घंटा ही निकालें, सब लोगों को साथ बिठा लें, परिवार के जितने भी लोग हैं, उसमें थोड़ी देर हम हरी चर्चा करें, कुछ कीर्तन करें। उसे आपने क्या किया, एक अच्छा भगवान की तरफ एक स्टेप अपना आगे बढ़ा दिया, बाकी चीज़ें लाइफ में अपने आप हो जाएंगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, भगवान ने बताया है एकादशी व्रत करना। हम लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, कोई कुछ भी करता है, जो स्क्रिप्चर्स में नहीं दिया है हम लोग करते हैं उसे। जैसे कि एक पेड़ है उसके जड़ में, पेड़ की जड़ में जब आप पानी देते हो तो अलग से पत्ती तना उसमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, जड़ में पानी दिया तो सारी चीज़ें अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाती हैं। उसी तरह से अगर हम एकादशी एकादशी व्रत करेंगे और भगवान के जो अपीयरेंस डे हैं हम वो व्रत करेंगे, तो बाकी और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और एकादशी व्रत करना बहुत ईजी है, उसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें बोला है कि अन्न नहीं लेना है हमें। तो जब स्टार्ट करते हैं अन्न के अलावा, आज जो सागर आता है वो बहुत सारी तरह का, मतलब सब कुछ बन सकता है सागर से, पूड़ी डोसा चावल सब्जी सब कुछ बन सकता है। एकादशी वाले दिन आपका थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, और जब नए भक्त आते हैं तो इतनी वैरायटीज बनाते हैं, जो वैरायटीज पूरी खाने, लेकिन कई बार ऐसा होता है भक्त लोग मतलब पूरा दिन खाया अच्छे से, उसके बाद भी बोलते हैं नहीं आज तृप्ति नहीं हुई, मतलब आज कुछ वीकनेस लग रही है क्योंकि अन्न अंदर नहीं गया। तो एकादशी करना बहुत ईजी है, सिर्फ अन्न से आपको बचना है। आप फलाड़ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं,
और सागर की बहुत सारी चीजें वो आप ले सकते हैं। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिनाम आपको लेना है, हरिनाम अपने जीवन में इन्वॉल्व करना है आपको, एकादशी व्रत का पालन करना है आपको, और एसोसिएशन भक्तों का आपको साथ करना है। आपकी कॉलोनी में तो माता जी प्रभु जी हैं, ये लोग जॉब के साथ साथ घर के साथ साथ ये कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, आपका सौभाग्य है। तो आप इन लोगों का साथ दीजिए, इनसे पूछिए कैसे ये अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करते हैं, कैसे भक्ति में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छा मार्ग मिलेगा। बाकी हर भी किया एकादशी को यहाँ पे प्रोग्राम आपके स्टार्ट हो जाएगा, ताकि महाराज जी आप लोग आओगे अगर प्रोग्राम होगा तो 15 दिन में हो, नहीं तो एक सप्ताह में हो। जैसे ये माता जी कभी कभी आएगी, इनकी प्रभु जी कभी कभी आएंगे, हमारा मंदिर से बाबा लोग कभी कभी आएंगे, आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे, कभी कभी आपका घर में भी जाएंगे, बच्चों को भी समझाएंगे, हैं? देखो कि आपका बच्चे कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, बच्चे सही मार्ग पर जाएंगे। सबसे पहले तो पिता माता को आदर करना। हम जहाँ जाते हैं ना, दुनिया कहते बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, सारा दुनिया यही बात कहते हैं, लेकिन आप भक्ति करना शुरू करो, देखना बच्चे सबसे पहले आपका बच्चा आपको बात सुनेगा, आपके घर की बहू भी आपकी जतन करेगी, क्योंकि जब उसके अंदर में भक्ति की संस्कार पड़ेगी वो समझेगी नहीं, हमें सास ससुर की पिता माता की सेवा करनी चाहिए। और जिस घर में बड़े बूढ़ों का आदर हो, घर वो तो भगवान का धाम ही है, ठीक है ना। आप लोग जरूर आना। माता जी आपको कापी और पेन है लाए कि नहीं? हाँ। मेरे पास है महाराज जी। हाँ। यहाँ रेगुलर होता है, हर एकादशी कीर्तन करती है माता जी। कौन माता जी करती है हर एकादशी कीर्तन? कौन करती है? रेगुलर बहुत अच्छे से कीर्तन होता है। खड़े कर दो माता जी। हाँ देखो ये माता जी देखो, अब ताली बजाओ। अधिकतर लोग व्रत भी रखते हैं यहाँ पे, अधिकतर लोग व्रत भी रखते हैं एकादशी का। ठीक है, व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे एकादशी का दिन जैसे ही है, हम भी कराते हैं पर रेगुलर ये करा पाती है। हाँ ठीक है माता जी, आपको ऊपर में ये दायित्व दी गई, ठीक है। सबका फोन नंबर और कापी में अपना फोन नंबर नाम दे दो, आपका व्हाट्सएप में भेज देंगे, ये माता जी घर में कीर्तन होगी, कथा होगी, ठीक है। माता जी सबको बुला कर कीर्तन करती है, सबको बुलाना, ठीक है माता जी। आज आप सबका नाम और फोन नंबर ले लेना, अभी कापी को धीरे धीरे अंदर में बढ़ा दो, सबके सब तुम्हारी कापी में नाम और तुम्हारी फोन नंबर दे देंगे, ठीक है माता जी। हाँ बोलो, कुछ बोलो तो। जय श्री कृष्ण। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस कीर्तन में सहयोग करते हैं, हर एकादशी को हमारे यहाँ पे उपस्थित एवं भजन संध्या करते हैं। इसी प्रकार से मैं और लोगों से भी संपर्क करूँगी एवं चाहूँगी कि वो भी सब एकादशी सत्संग में सम्मिलित हो और अपने पुण्य लाभ कमाए। हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं? देखो हाँ, 2 मिनट में एकादशी कथा सुना देता हूँ कि एकादशी व्रत है क्या चीज और एकादशी से हमारी क्या लाभ है, ठीक है, ध्यान लगा करके सुनो। देखो ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में केवल एकादशी की कथा इसमें आती है, जिसको अम्बरीश महाराज जिसको करते थे, अम्बरीश महाराज जिसको मैया यशोदा नंद बाबा जिसको एकादशी व्रत रखा करते थे। आप देखना अगर आपको पास में एकादशी का ग्रंथ होगा ना, जरूर पढ़ना। एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्पतरु मतलब क्या? जो मांगो वही मिलेगा। आप लोग पढ़ लेना। एकादशी का नाम मुख्यदा, 15 दिन में एक बार आती है। जैसे कोई सोम कोई मंगल अलग अलग व्रत रखते होंगे, उसका एक ही फल है, लेकिन एकादशी की हर एकादशी के अलग अलग फल है। एक का नाम मुख्यदा मतलब जो एकादशी व्रत रखने पर हमें संसार से मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम अन्नदा, वो एकादशी करना घर में खूब आना जाएगी, घर में खूब आना जाएगी उसका नाम अन्नदा। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी करने पर घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, खूब पैसा आएगा। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जो एकादशी करने पर जीवन का सारे पाप हमारी नष्ट हो जाती है, हैं? एक एकादशी का नाम कामदा, कामदा मतलब जिसको करने पर सारी कामना इच्छा पूरी होगी। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, नंद बाबा का पहले संतान नहीं था, उन्होंने यही एकादशी व्रत करके कृष्ण इनकी पुत्र रूप में आए,
जो एकादशी व्रत करने पर घर में संतान की जन्म होती है, इसलिए आप हर एकादशी का देखोगे अलग अलग फल है, अलग अलग फल है, एक ही फल नहीं। किसकी घर में बड़ा दुख कष्ट था, घर से दुख कष्ट दूर नहीं हो रहा था, एकादशी व्रत किया दुख दूर हो गया। किसका बिजनेस फेल हो गया था, एकादशी व्रत किया तो बिजनेस शुरू हो गई। किसी राजा का राज्य चला गया था, एकादशी व्रत किया पुनः राज्य मिल गया। अब घर में एकादशी व्रत की कथा को ना पढ़कर देखना, सभी की अलग अलग है, हैं? सभी की अलग अलग कथा है। लेकिन कुछ लोगों का धारणा है भैया एकादशी तो विधवाएं करती है, ये सधवा नहीं करते। नहीं, अब भागवत पढ़ करके देखो, जिसको अम्बरीश महाराज अपना पत्नी को साथ में मथुरा में ये एकादशी व्रत की, जिसमें दुर्वासा ऋषि आए थे, आपको पता होगा नंद जसोदा उन्होंने एकादशी व्रत की, क्या मैया जसोदा विधवा हो गई थी। श्री रुक्मांगद महाराज स्वयं व्रत करते थे, प्रजाओं को व्रत करवाया करते थे, इसलिए ऐसे कोई बात नहीं। शास्त्र ने बताया 8 साल से लेकर के 80 साल तक आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। इसलिए देखो जो एकादशी है इसमें कुछ साइंस है। अभी ये चीज को थोड़ा ध्यान देकर सुनो, अभी लोग ज्यादा लिखे पड़े हैं ना, पहले तो मान जाते थे कि जो एकादशी ये पूरा साइंस है। बोले भैया एकादशी में क्या साइंस है, ऋषि मुनियों ने जो जो विधान दिए है वो सब के सब विज्ञान है। बोले क्या विज्ञान, ये चीज को अच्छी तरह समझो। कहते ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओ देखना वो मशीन ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कोई भी मशीन हो। इसलिए बीच बीच में उसको रेस्ट देना पड़ता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, शनिवार संडे छुट्टी होता है कि नहीं, छुट्टी होता है कि नहीं? बोले क्यों, बच्चा 7 दिन तक पढ़े ना, बढ़िया पढ़ेगा। बोले पढ़ेगा नहीं, पागल हो जाएगा वो। इसलिए जैसे 6-7 पीरियड होता है, बीच में एक रिसेस रहता है, खेल छुट्टी रहता है। बोले भैया खेल छुट्टी क्यों होता है? बोले बच्चे अगर थोड़ी सी खेल कूद लेना, ये माइंड फ्री हो जाती है, फिर बच्चा क्या करता है, फिर अच्छे तरह से पढ़ाई करता है। ठीक उसी तरह ये शरीर एक मशीन है, अगर ये मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाओगे फिर ये मशीन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये शरीर अगर बकरी जैसे दिन भर बकरी जैसे खाते रहोगे फिर क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा, फिर भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया देखो 15 दिन में कम से कम ये शरीर को थोड़ी सी विश्राम है, 15 दिन में विश्राम। अभी प्रश्न आती है भैया भैया एकादशी का दिन क्यों विश्राम थे और दूसरे दिन भी तो कोई व्रत रख सकते हैं? ये चीज को अच्छे तरह से समझो, एकादशी का दिन ही ये शरीर को हम क्यों व्रत करें और भी तो दूसरे दिन। कहते आप लोग सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने होंगे समुद्र का पानी उफनती है और समुद्र का पानी घटती है, हैं? इसलिए जिसमें जुहार भट्टा कहते हैं। बोले कब उफनती है कब ये घटती है? बोले जो चंद्रमा को साथ में पानी का संजोग है, ये चंद्रमा ये पृथ्वी को खींचती है और ये पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, लेकिन पृथ्वी को तो चंद्रमा खींच नहीं सकती, इतना बड़ा पृथ्वी। इसलिए इसका प्रभाव कहां पर पड़ता है, तरल पदार्थ में, पानी में। इसलिए समुद्र में देखना तभी बड़े बड़े लहरियां तभी पानी बढ़ती हैं, वो एकादश से लेकर पूर्णिमा तक, क्योंकि एकादश से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा ज्यादा बढ़ती रहती है। जितना परिमाण में ये चंद्रमा बढ़ेगी ये समुद्र का पानी उतना उफनती है, उतना बड़ी बड़ी लहरी आती है, और पूर्णिमा का दिन इतनी बड़ी बड़ी लहरी आएगी, इतने पानी उफने। क्यों? अभी पूर्णिमा चंद्र पूर्ण चंद्र है, इसलिए ये पानी के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ती है। उसी तरह हमारा जो शरीर है वो 5 चीज से बना हुआ, बता तो कौन बोलेगा, बता हाथ उठाओ, हमारा शरीर 5 चीज से बनी हुई, कौन कौन बोलेगा, बोलो जोर से, कौन बोलो, बोलो जोर से, चुपचाप बैठ गए। 5 चीज की क्या चीज है, मिट्टी वायु अग्नि आकाश और पानी जल, ये 5 चीज से बनी हुई। बताओ ये शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज है, पानी। पानी कितना परसेंट है, 70-75% पानी है। इसलिए पानी होने के नाते ये चंद्रमा का जो प्रभाव ये शरीर पर पड़ता है। आप लोग देख लेना जिनकी कमर में दर्द है, जिनकी घुटने में दर्द, एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगा, द्वादश में ज्यादा, पूर्णिमा में इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते। क्यों? ये चंद्रमा की प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है, शरीर में ज्यादा पानी है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया बोले भैया क्या करो एकादशी का दिन अन्न खाने के लिए क्यों मना किया,
हाँ ये चीज को समझो, जैसे रोटी और जैसे चावल खाने के लिए मना किया, क्यों? वो स्पंज जैसे होता है। अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में तुमको प्यास लगेगी, चावल खाओ प्यास लगेगी, लेकिन फल खाओ प्यास नहीं लगेगी आपको। फल खाओ प्यास तुम्हें नहीं लगेगी, क्यों? वो पानी को नहीं ऑब्जर्व करता है, खींचता नहीं है, लेकिन रोटी और चावल ये पानी को मांगता है। और जितने चावल रोटी खाओगे उतना पानी पियोगे, जितने पानी शरीर में जाएगा उतना चंद्रमा का प्रकोप पड़ेगा, उतना शरीर में बीमारी होगी। इसलिए ऋषि मुनि ने बताया भैया एकादशी का दिन अन्न मत खाया करो, हैं? एकादशी दिन क्या करो, आप आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हो, लेकिन फल मूल दूध दही खा सकते हो, लेकिन अन्न खाने के लिए मना किया। इसलिए एकादशी का दिन अन्न में गौ हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सबसे बड़े बड़े पाप एकादशी का दिन अन्न में रहता है। इसलिए अन्न खाने पर पाप लगेगा, फिर पाप होगा तो फिर बीमारी होगा, फिर बीमारी होने पर देखो मेडिसिन, टेरामाइसिन, क्रोसिन, सीन सीन शब्द है ना, सीन मतलब क्या, बोले पाप। बोले ये सारी चीजें क्यों हो रही, बोले पाप से। इसलिए मेड इट सीन, टेरामाइसिन, क्रोसिन, इसलिए दवा का नाम यही है। ये जितने सब बीमारी है ना सब पाप से होता है, क्यों? एकादशी का दिन अन्न भोजन करते हो इसलिए पाप से ये सब बीमारी, इसलिए इसे बड़े बड़े साइंटिफिकल ये सब कारण है। इसलिए एकादशी का इतने महत्व है। एक समय दो पति पत्नी में लड़ाई हो गई, लेकिन उनको पता नहीं था आज एकादशी, सवेरे सवेरे लड़ाई होगी। कभी संसार में करते कि नहीं लड़ाई, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए ना तीन चार दिन तक भोजन नहीं करते, मान करके दोनों ही खाना नहीं जाए। पत्नी बोली मैं खाना नहीं बना, पति बोला मैंने खाना ही नहीं था। अभी उन्होंने अनजान में एक दिन उनको पूरा निर्जला व्रत हो गई, व्रत हुई तो दूसरे दिन उनको दूसरे जीवन में राजा रानी के रुक्मांगद महाराज रूप में जन्म ग्रहण किया। एक एकादशी अनजान में एक एकादशी हो गई, तो इतने एकादशी की महिमा है, ठीक है ना। इसलिए अब लोग सबके सब एकादशी व्रत रखियो, अगर दूसरे व्रत नहीं रखते हो कोई बात नहीं, क्योंकि कितना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। एकादशी व्रत श्री गोविंद देव बांके बिहारी का व्रत है। ये राधा रानी की एकादशी कौन है, लक्ष्मी है। ये राधा रानी का स्वरूप ही एकादशी, ये भक्ति जननी है, हैं? इसलिए अगर एकादशी व्रत रखो, कोई व्रत मत रखो, तो कोई जरूरत नहीं, एकादशी व्रत से सारे व्रत तुम्हारी करना हो जाएगा, ठीक है ना। और एकादशी का एक नियम है, दूसरे दिन एक समय रहता है, उस समय को अंदर में व्रत खोलना पड़ता है। बोले एकादशी का दिन जो चीज नहीं खाते ही, जैसे चावल रोटी, उसको उसी समय को अंदर में लेनी चाहिए। इसलिए अभी काफी दे रहे हैं, इसमें सबके सब नाम लिख दो, और आपको रोज ये माता जी आपको फोन में व्हाट्सएप कर देगी, अमुक दिन एकादशी है, अमुक दिन एकादशी, और इतने समय को अंदर में आपको व्रत खोलना है, एकादशी का व्रत खोलना सबके सब। ये काफी में काफी है ना, काफी कहाँ है तुम्हें, ये काफी दे दो सबको, दे दो सब अपना फोन नंबर और अपना नाम दे दो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और एक छोटी सी एक कथा सुना देता हूँ, फिर कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है, कृष्ण रुक्मिणी, ठीक है। सुदामा बनाया किसको, सुदामा कहीं नहीं बना, उसको सुदामा बनाया, तो सुदामा, ठीक है, हाँ उसको सुदामा, और उसको हाथ में थोड़ी सी चावल देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ देखो हम लोगों ने कितने दिन तक कथा सुनी है, 7 दिन। अभी प्रश्न है हम 7 दिन तक कथा क्यों सुने, 6 दिन क्यों नहीं, 8 दिन क्यों नहीं, ये भागवत सप्ताह क्यों कहते हैं, ये रहस्य को आप लोग समझ जाओ, है ये 7 दिन क्यों कथा सुनते हैं। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में आए, वो राजा से संत मिलना चाह रहे थे। इतने में एक दरबार में था, बोले राजा घर में क्या है, बोले है, बोले राजा को बोलो कोई संत मिलने के लिए 1 मिनट कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। राजा सोचे भैया संत क्यों आए, होगा कुछ पैसा के लिए। उन्होंने 1 से 1 रुपया निकाल करके दे दिया, बोले बाबा को दे देना। बाबा ने कहा देखो मैंने पैसा लेने नहीं आया हूँ, कोई जरूरी काम को लेकर के आया हूँ, इसलिए राजा से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। राजा 501 रुपया दे दिया, लेकिन तभी वो संत लिए नहीं। फिर राजा 1101 रुपया दिए, तभी वो संत लिए ही नहीं। राजा ने कहा बाबा को बोलो मेरे पास में समय नहीं संत से मिलने के लिए। बाबा दुखी होकर के रानी के पास में पहुंचे,
वहां पर कोई दासी थी, बोले अंदर में महारानी क्या है, बोले है, बोले महारानी को बोलो कोई बाबा कोई जरूरी काम कर लेकर के आए, एक मिनट बात करना चाहते हैं। रानी सुनते तो खुश हो गए, संत आए घर में, बोले बाबा को अंदर में बुला कर ले। अभी बाबा को अंदर में लेकर के उनको बैठाए, उनको पानी दिए, बोले बाबा आपकी हम क्या सेवा करें, बोले महारानी मैं तो कोई विशेष काम लेकर के राजा से एक मिनट बात करना चाह रहा था, लेकिन राजा मेरी बात ही नहीं सुने, बोले चिंता मत करो मैं ही सेवा कर दूंगी, बताओ आपको क्या चाहिए। बोले महारानी आप ध्यान देकर सुनो, ये जो राजा है ना, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा, ये राजा 7 दिन में मरने वाले हैं। कितना दिन में? 7 दिन में ये मरने वाला। केवल इतनी सी बात मैं बताने के लिए आया था, लेकिन राजा मेरी बात नहीं सुनी। रानी तो सुनकर घबरा गई, क्यों, अभी अभी शादी हुई, घर में अभी अभी नई बहू आई है, अगर कोई बोल दे तुम्हारी पति 7 दिन में राजा मर जाएगा, बताओ क्या होगा। वो तो सुनकर आधा ही मर गई। बोले बाबा क्या बोल रहे हो, इसका सच है? बोले मैं अपना दिव्य दृष्टि से देखा हूँ, ये कभी झूठा नहीं हो सकता है। इतना बोलकर बाबा तो चल पड़े। रानी घबरा गई, एक दासी को बोली जाओ राजा को बोलो रानी अभी अभी बुला रही है, कोई जरूरी काम है। देखो बाबा तो गिड़गिड़ाते हुए चले गए, एक मिनट समय नहीं हुआ, लेकिन राजा को जब पता रानी बुला रही है कोई जरूरी काम, राजा तो सारे काम को छोड़कर भागते भागते आए। रानी बोली महाराज कोई संत आपके पास में गए थे मिलने के लिए? बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले हो? बोले मेरे पास में समय नहीं था। बोले महाराज जब घर में संत आते हैं, कहते भगवान की जब विशेष कृपा हो तभी घर में साधु आते हैं, साधु आए मतलब भगवान आए हैं, एक साधु आए तो आपके पास में समय नहीं हुआ, और मैंने बोला तो भागते भागते आ गए। बोले बताओ ना बात क्या। बोले बात तो बड़ी गहरा बात है, वो संत ने बताए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा आप 7 दिनों में मरने वाले हो। राजा जब सुना वो भी घबरा गए, बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ बाबा तो यही बोलने के लिए आए थे। तब राजा ने बोले बाबा गए कहाँ? बोले अभी अभी तक गए। तो उन्होंने लोगों को भेज दिए, बोले अभी अभी बाबा को आदर पूर्वक घर में ले आओ। जब बाबा को ले आए उनके चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आप तो विशेष काम लेकर के आए थे, आपसे मैं मिल नहीं पाया, आपने बताया 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले ये बात क्या सच है? बोले ये ध्रुव सत्य है, ये ध्रुव सत्य, 7 दिन में मरने वाले हो। बोले महाराज आप घबरा मत, आपने बहुत दान पुण्य किया है इसलिए आपको अक्षर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इस स्वर्ग में सारे सुख मिलेगी, लेकिन एक चीज वहां कमी है। बोले किस चीज की? बोले स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, आप जब रात को सोओगे वो मच्छर आपको काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले खैर, बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छर दान का व्यवस्था है, लेकिन और एक चीज की कमी। बोले किस चीज की? बोले मच्छर का दान के कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले फिर क्या करना, जब आप मरोगे ना यहाँ से एक सुई और एक धागा साथ में ले चलना और उसको सिलाई कर दोगे तो बस चैन की नींद में सोओगे। बोले महाराज कैसे सुई धागा ले जाएंगे, यहाँ जब मरेंगे हमको तो यही जला देंगे, हमें तो यही जला देंगे, सुई धागा कैसे लेकर के जाएंगे? बोले क्यों, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी हो कोई साधु आने पर भी आपको पास में एक मिनट समय नहीं हुआ, एक मिनट समय नहीं दे सके हैं, एक मिनट समय नहीं, कहते वो राज्य से एक सुविधा का भी नहीं ले जा सकता। बोले कैसे ले जाएंगे, जब शरीर छूटेगा यहीं पर तो जला देंगे हमें, यहीं हमें जला दिया जाएगा, सुविधा का कैसे ले जाएंगे? बोले तेरे को पता है सुविधा का नहीं जाएगा? बोले दुनिया को पता है, ये सारा दुनिया को पता सुविधा का साथ में नहीं जाएगी। बोले बताओ मरते समय जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोले तो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही तो बोलते हैं। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जगत में सब कुछ झूठा है, केवल भगवान का नाम ही सच्चा है और जगत में सब झूठा है। बोले महाराज अब ये बताओ, अब झूठे में कितने समय दे रहे हो, अब सच में कितने समय दे रहे हो? जिस राज्य से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जाएगा हैं, उसके लिए कितना समय दे रहे हो? प्रभु का नाम के लिए कितना समय दे रहे हो?
बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा था, ये संसार से हमारे साथ में एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगी। तब संत ने समझाया, बोले महाराज अभी आप समझो, आप लोग भी समझो, इसी बात में एक रहस्यपूर्ण बात है। रहस्यपूर्ण बात ये है, राजा ने संत ने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, उन्होंने ये नहीं बताया था। क्या बताया था, क्या बताया था उसने, 7 दिनों में मरोगे, उसने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओ, बोले 7 दिनों में। बोले महाराज ये दिन 7 ही होता है, दिन 8 कभी होता ही नहीं, रवि सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शनि, दिन 7 ही होता है, लेकिन जब हम ये शरीर छोड़ेंगे 7 दिन में, एक ना एक दिन ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब इसी संसार से हम जाएंगे यहाँ से एक सुई धागा भी हमारे साथ में जाने वाले नहीं, केवल साथ में क्या जाएगा, भगवान की नाम जाएगी। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी कमाल हुए। जब उन्होंने ये बात समझा है ना, राजा तो सोच रहे थे 7 दिन बाद में खत्म, लेकिन उनको क्या पता चला, नहीं 7 दिन बाद में नहीं मरूंगा, 7 दिनों में एक ना एक दिन ये शरीर को मैं छोड़ूंगा। फिर राजा की 2 बार शरीर में जान आ गई। हाँ मेरे तरफ में देखो, वो राजा ने, बाबा ने राजा की माला झोली पकड़वाया, बोले महाराज यही धन ही तुम्हारी साथ में काम आने वाला, ये दुनिया की कोई धन काम में नहीं आएगा, इसलिए जब तुम काम करने के लिए जाओ सबसे पहले भगवान के नाम जप करके जाना, ठाकुर जी की नाम जप करके जाना, क्यों, यही धन ही हमारी काम में आएगा, और जो कुछ करना ठाकुर को सेवा मान कर करो, ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, और हाथों में करो काम और मुंह में ठाकुर का नाम। फिर जब वापस आओगे फिर घर में बैठ कर क्या करना, फिर माला लेकर के फिर बैठना। अब देखना हमारे जितने पूर्वज, आपका मैया को मैया ने तो पिताजी की, पिताजी को देख लो, पहले क्या करते थे, सवेरे बैठ करके गीता भागवत रामायण पढ़ते थे, यही करते थे, नहीं ठाकुर को पूजा करते थे, भजन करते थे, फिर काम करते थे, जब वापस आते थे फिर क्या करते थे, फिर ठाकुर जी आरती, फिर कीर्तन, फिर सत्संग, यही करते थे ना हमारे पूर्वज लोग। लेकिन ये टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन आकर के ना हमारी संस्कृति को पूरा के पूरा भ्रष्ट कर दिया, सारे संस्कृति को हमारे बिगाड़ दिया है, सारी संस्कृति को हमारी ये बिगाड़ दिया। अच्छी बात है अगर टीवी आए, अगर उसमें कोई अच्छी चीज को देखो, इधर उधर चीज नहीं देख करके कोई ठाकुर जी का कोई चीज को देखो, जिसको द्वारा हमारे ऊपर में संस्कार पड़े और हमारी भगवान के भजन में मन लगे, ठीक है ना। इसलिए हम 7 दिन कथा सुनते हैं, दिन 7 ही है, दिन 8 नहीं, और ये 7 दिनों में एक ना एक दिन हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम जाते समय केवल प्रभु का नाम धनी हमारी साथ में जाएगी, ठीक है। इसलिए जिनको हरिनाम करना है, जब मैं पिछली बार आया था बहुत लोगों को माला भेज दिया था, किसको किसको माला दिया था, हाथ उठा के कौन कौन माला लिए थे, एक लाली है, और कौन कौन माला दिए थे, और एक माता जी, और कौन लिए थे, शर्म लग रही है, हाथ उठाओ ना, कौन कौन माला लिए थे, देखो जब जिन लोगों ने माला लिया था जरूर माला करना, ठीक है ना, सवेरे जरूर माला करना, आप देखोगे जितना समय माला करोगे ना आत्मा को उतना समय शांति मिलेगी, चैन मिलेगी हृदय को, ठीक है। और जिसकी इच्छा होगी हम भी माला जब करना चाहते हैं कथा के बाद में, एक एक माला ले जाना, ठीक है, एक एक माला ले जाना, हरिनाम करना, लेकिन जब आप अच्छे तरह से प्याज लहसुन को छोड़ दोगे और सारी गंदी चीज को छोड़ दोगे, फिर आप तुलसी माला लेकर के, फिर गले में कंठी तुलसी माला लेकर फिर भजन करना। अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम माला दूंगा, और ये माता जी आएगी आपको हरी कथा सुनाएगी, और बीच बीच में आना, सब काफी दिया कि नहीं सबको, हाँ दिया ना, ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, भैया तुम दोनों पीछे चले जाओ, जब तुम दोनों की बात आएगी ना फिर तुम दोनों वहां से आना, इनको हाथ में 2 माला दे देना, ठीक है, माला दे देना, इनको माला दे देना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण रुक्मिणी की, जय जय श्री।
श्री राधे। क्या तुम दोनों उधर चले जाओ, हरे कृष्णा कृष्ण रुक्मिणी इधर से पीछे चले जाओ, जब बुलाऊंगा तब आना। देखो कहते श्री भीष्मा का राजा के कहते उनकी 5 बेटे और इनकी सबसे छोटी जो बेटी थी ये रुक्मिणी थी, ये स्वयं माँ लक्ष्मी है। ये नारद जी को ये सारी रहस्य पता है। नारद जी बचपन में आकर के इनको बड़ी प्यारी प्यारी भगवान की इसको कथा सुनाया करते थे। अभी कथा सुनते सुनते उसके हृदय में ये कृष्ण हृदय में बैठ गए, बोले मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश को ही शादी करूंगी। लेकिन इसका जो बड़ा भैया था रुक्मी, बोले क्या मेरी बहन कृष्ण से शादी करेगी? अरे मैंने सुना बचपन में क्या मक्खन घर घर में चुराया करता था और ये गैया चराया करता था, भैया ऐसे मक्खन चोर से मेरी बहन की शादी नहीं, किसी राजा महाराजा को साथ में शादी होगी। बोले किसको साथ में? बोले शिशुपाल को साथ में मेरी बहन की शादी होगी। जब रुक्मिणी को ये बात पता चला, रुक्मिणी एक ब्राह्मण को बुलाया और बड़ी सुंदर एक पत्र लिख करके कृष्ण के पास में भेज दी। देखो कृष्ण अभी रुक्मिणी को भी देखा नहीं, रुक्मिणी अभी कृष्ण को कोई किसको देखे नहीं, लेकिन केवल रुक्मिणी के पत्र को पा करके कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोले भैया पत्र में ऐसे क्या लिखा हुआ था जो कि कृष्ण रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया? वो पत्र में लिखा हुआ था, हे प्रभु जगत में अगर सबसे सुंदर कोई, जगत में सबसे सुंदर तू हो। इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारती हैं, नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों में। अच्छा हो गया भगवान तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। तू इतने सुंदर, अगर तू लाली होती ना तेरे को पाने के लिए पृथ्वी में सबके सब लड़ करके मर जाते। कृष्ण इतने सुंदर, इसलिए बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शुभम, करोड़ काम देव मिल करके भी कृष्ण को सुंदर को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। बोले हे भुवन सुंदर कृष्ण तुम ही जगत में एकमात्र पति बनने का योग्य है। बोले भैया पति का मतलब क्या है? बोले प मतलब पालन करना और ती मतलब संसार से हमें जो त्राण करना। बोले दुनिया में हमें कौन पालन करने वाले, त्राण करने वाले कौन? बोले भगवान कृष्ण ही है और कोई पार करने वाले नहीं और त्राण करने वाले नहीं। इसलिए हे प्रभु ये जगत में कोई पति कहने का लायक है ही नहीं। बोले क्यों नहीं? जिसको हम पति कहते हैं, ये शरीर को हम पति कहते हैं शरीर को, लेकिन एक दिन क्या होता है ये शरीर छूटने पर फिर सारे मांग मिट जाती हैं, ये सिंदूर मिट जाती हैं। बोले एक जन्म नहीं, कितने जन्म से हम मांग भर रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं और शंखा पहन रहे हैं, लेकिन हर जीवन में हमने हमको ये शंखा टूट जाती है, सिंदूर मिट जाती है, मांग मिट जाती है। इसलिए रुक्मिणी कहती है बोले प्रभु कब तक ये मांग मिटती रहेगी, शंखा टूटते रहेगी? बोले जब तक की जीव तुम्हें अपना पति रूप में वर्ण नहीं करता है। इसलिए बोले ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। बोले बर बरी और गोपाल जुसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसलिए प्रभु केवल आप जगतपति आप ही हो। बोले हे प्रभु आपको मैंने पति रूप में वर्ण किया है, अगर आप मेरे को यहाँ से उद्धार नहीं करोगे जन्म जन्मांतर तक ये शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन ये जगत में और किसी को मैं पति रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने ये लिख करके कृष्ण को पास में दिए, कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये भी लिख दी आप मेरे को कैसे उद्धार करोगे। बोले हमारी एक धर्म है वो बेटी शादी से पहले राजमहल से सखियों को लेकर के माता देवी को पूजा करने जाती है। जब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी उसी समय अपना पराक्रम को दिखा करके मेरे को बीज से हरण करना। उन्होंने सब कुछ उसने लिख दिया और कृष्ण तो पीली पत्र देख करके समझ गए कोई प्रेमिका की ये पत्र है। इतने में कृष्ण ब्राह्मण को अपना रथ में बैठाए और कृष्ण आ गए। अभी रुक्मिणी अपना सहेलियों को साथ में गई
देवी पूजा करने के लिए वहां पर स्वयं शंकर पार्वती प्रकट हुए और वेद मंत्र से कृष्ण रुक्मिणी को वहीं शादी करा दिया। लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला। इतने में रुक्मिणी वहां से जब निकली, अपना घूंघट को उसने जब निकाली, मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ है? कहते रुक्मिणी इतने सुंदर थी, शिशुपाल को पहले पता था ये कृष्ण को प्रेम करती है। शिशुपाल सारे सैन्य सामंत को लेकर के आया था, चारी तरफ में घेर करके खड़े हुए थे। लेकिन कृष्ण जब अपना घूंघट निकाली, रुक्मिणी इतने सुंदर, ये जगदम्बा जगजननी लक्ष्मी, इनकी सुंदरता को देख करके सबके सब बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ को पकड़े और रथ में बैठाए और बैठा कर कृष्ण वहां से चले गए। इतने में सबकी होश आए, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसकी थी तो उसने लेकर चला गया। बोले भैया मारो मारो पीटो पीटो। इतने में बलदेव प्रभु आगे, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तो रुक्मिणी को लेकर के जा, मैं इनको निपटा देता हूँ। बलदेव प्रभु अपना हल मुसल को निकाले और मार मार करके सबको यहाँ से भगा दी और भगा करके कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में गए और बड़ी धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। देखो कभी ये कथा में सिख्या किया है, कभी ये रुक्मिणी कौन है, कभी ये जीव है। कहते भैया जिस ब्राह्मण को हाथ में उन्होंने के प्रेम पत्र लिखा, ये ब्राह्मण कौन? ये सद्गुरु है। क्योंकि जब तक ये सद्गुरु ठाकुर जी के पास में हमारी प्रार्थना को नहीं पहुंचाते हैं, तब हम डायरेक्ट भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। जब उन्होंने इनकी प्रार्थना को पहुंचाए, कृष्ण जब उनकी प्रेम पत्र को पाए, भगवान कृष्ण आए। आकर क्या किया? बीच में सन्न सामंत घिरे हुए हैं, हम भी संसार की माया में घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम सदगुरु की शरण लेकर के अगर कृष्ण को चरण में जाए ना, फिर कृष्ण क्या करेगा? हम जो माया को बीच में हम घिरे हुए, कृष्ण आकर के बीच से हमें उठा करके अपना गोलोक वृंदावन ले जाएंगे और अपना हमें सखी बना देंगे। हैं अभी कृष्ण रुक्मिणी की बड़ी जोर जबरदस्त द्वारका में भगवान की शादी होती है। आ जाओ दोनों को ले आओ। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। जय श्री राधे। इनको दोनों हाथ में दो माला दे दो। प्रभु जी अभी बड़े सुंदर भजन गाएंगे। देखो साधारण शादी में हम कितने नाचते और कूदते हैं। आज किसकी शादी हो रही है? द्वारकाधीश भगवान की शादी, ठाकुर जी की शादी। अगर ठाकुर को शादी में एक बार कोई नाच लेना, फिर दुनिया की माया के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। फिर 84 लाख जन्म में जो नाचना है ना, वो सारी नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगी। इधर एक मिनट आप जो आना समीक्षा करते हैं, उसके बाद में एक साथ में भजन के करते हैं, सब चले जाएंगे। हाँ देखो ये भागवत कथा में, हाँ हरे कृष्ण ध्यान देकर सुनो, ये भागवत कथा में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ध्यान देकर सुनो, किसी ना किसी तरह से सबके सब भजन आप लोगों ने मदद किया है, तभी कहाँ जा रहे हो, तभी ये कथा इतने अच्छी तरह से हो पाई। इसलिए हम श्री ठाकुर जी के पास में प्रार्थना करते हैं, हैं? अगर जिसने ये भागवत कथा में कथा सुनने के लिए आए, कुछ भी नहीं किया लेकिन केवल कथा सुनने के लिए आए, भगवान कहते हैं ये भागवत कथा की इतने पुण्य इतने महिमा है। कहते पृथ्वी का सारे पुण्य को तराजू का एक तरफ रख दो, केवल भागवत कथा को एक तराजू में रख लो तो उसका तराजू का पल्ला भारी पड़ता है। क्योंकि जगत का कोई भी पुण्य, इसलिए धुंधुकारी जब प्रेतात्मा बने उनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन मुक्ति नहीं हुई, लेकिन ये भागवत कथा से उनको मुक्ति मिली। इसलिए भागवत कथा कहीं अगर हो रही है, अगर इतनी सी कोई बात बोल दे भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात। अगर इतनी सी कोई बात बोल देना कि उसी समय में सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाता है। ये भागवत कथा की इतने महिमा, इतने महिमा। इसलिए ये भागवत कथा में जो लोग ये भागवत कथा सुनने के लिए आए हो, सबसे ज्यादा आप लोगों का पुण्य है। क्योंकि अगर मैं भी आ जाता, ये स्टेज भी लग जाती, अगर आप कथा सुनने के लिए नहीं आते फिर कथा क्या हो पाती? नहीं। परीक्षित थे तभी सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए। आप लोगों जितने सब परीक्षित है, आप लोग सब परीक्षित हो, तभी तक इतनी सुंदर कथा हुई। इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। कोई ताली नहीं होता, क्या कथा। और इन्हीं कथा में हैं हमारे भक्तों ने, हैं हमारे भक्तों ने श्री अनिल प्रभु, आपकी यहाँ कथा की कोई होने का कोई बात नहीं थी। मेरी कथा और कहीं थी, और कहीं कथा फिक्स थी, लेकिन किसी कारण से वो कथा दूर हो गया, आगे कथा को रख लिए। फिर वहाँ पर क्या हो गया, ये कथा आ गई। आ गई तो हमने फोन की अनिल प्रभु जी को, जे हमारी वहाँ पर कथा थी, कथा कैंसिल हो गई, क्या आपको वहाँ कथा हो सकती है? तब उन्होंने बोला मैं अभी बात कर लेता हूँ। इसलिए उन्होंने सबसे बात करके फिर उन्होंने बोला ठीक है, हाँ ठीक है, आप कथा कर सकते हो। इसलिए इनको भक्त लोगों ने, सब लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की है। इसलिए हम श्री अनिल प्रभु, उनकी जो पत्नी है, क्या ना, आशा दीदी, और इनका जितने सारे बहन लोग हैं, हैं इनकी जो पूरा का पूरा परिवार है ना, हम सोच नहीं सकते। इनकी एक भैया पायलट है, और छोटे मोटे पायलट नहीं, बड़े पायलट है, हाँ जेट कंपनी में वो प्लेन चलाते हैं। उसने केवल प्रभु की भक्ति में आए और उसने पूरा परिवार को, उनकी जितने पांच पांच बहन, सबको देखोगे सबको गले में कंठी। एक तो पायलट का बहन ही पायलट, उसका पति भी पायलट है, और इनका और दूसरे दूसरे बहन सबके सब गले में, ये सबके सब स्कूल में सबके सब टीचर, लेकिन ये सबके सब उधर गले में कंठी तिलक लगाते हैं। केवल इतना नहीं, उनको जो बच्चे हैं उनकी बच्चे भी हैं, जो बच्चियां सब खड़ी हुई इनकी सबके गले में कंठी तिलक लगाते हैं। इनके जो पिता माता धन्य है, घर में एक बेटा अगर भक्ति करे, भगवान खुद कहते हैं उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। और ऐसे पिता हुए जो ऐसे बच्चे को जन्म दिए, सारे उनकी बच्चे, और केवल इतना नहीं, इनका जितने दामाद है सारे दामाद इनकी भक्ति करते हैं, सारे दामाद गले में कंठी तिलक। और जिस परिवार में इतने सारे साधु लोग, भक्त लोग जन्म हुए, समझो उन लोग कितने पुण्यात्मा। अब इनके लिए, सबके लिए अब जोरदार ताली बजाओ, जोर से। इन्हीं कथाओं में और हमारे साथ में हमारे श्री प्रभु जी जो क्यासी बजाते हैं, जिनके अंगुल के ऊपर आप लोग सब नृत्य कर रहे थे, ये वृंदावन के गोस्वामी बन सके, बंगाल के गोस्वामी बन सके, परिवार के, ये मेरे साथ में हर समय मेरे साथ में रहा करते हैं। और एक छोटा बच्चा देखो सर नीचा कर बैठा हुआ, ये बड़े शर्मिंदा लगता है इनको। ये मेरे साथ में एक हर कला में निपुण है, मृदंग बजाने में, पेड़ बजाने में, तबला बजाने में, सब हारमोनियम सब चीज में ये एक्सपर्ट है। और यहाँ पर हमारे श्री मदन मोहन प्रभु जी जो पेड़ में जो मदद कर रहे हैं, इसलिए आप इनके लिए भी खूब जोरदार ताली बजा। और यहाँ पर हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी जो हमारे जयपुर में यहाँ पर रहते हैं, और ये कॉलेज में जा करके बच्चों को अच्छे प्रीचिंग करते हैं। सुंदर गोपाल प्रभु जी उनको एक माला दे देते हैं। इसलिए ये कॉलेज में जाकर के प्रचार करते हैं। यहाँ पर अभी गोविंद देव को सामने, पीछे गेट को सामने हम एक छोटी सी जगह ले रहे हैं, जैसे वहाँ पर हर समय हरि कीर्तन हो, सत्संग हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, वहाँ पर सब तिथि पालन की जाएगी। अगर आप लोग जुड़ोगे ना, आप सबको हम वहाँ निमंत्रण देंगे, आपको आप सबको वहाँ पर हम निमंत्रण देंगे। जन्माष्टमी राधाष्टमी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे, और हमारी गुरु वर्गों का तिथि में बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों को सबके सब निमंत्रण देंगे वहां पर, आप लोग आओगे वहां पर, गोविंद देव का दर्शन हो जाएगी, फिर वहां पर उत्सव होगा, ठाकुर जी कथा सुनेंगे, ठीक है ना। सब लोग जरूर आना, वो ये बाबा वहीं पर वो मंदिर को देखभाल, ये प्रभु जी वहीं पर देखभाल करते हैं। वो अच्छे लिखे पड़े हैं, MBA ये बाबा किए हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ गुरु जी की सेवा में, हमारे बड़े गुरु जी की सेवा में अपना जीवन को उन्होंने लगाया, और बहुत सारे बच्चों को, जयपुर के बहुत सारे बच्चों को, व्यक्तियों को उन्होंने प्रभु की भजन में लगाया। इसलिए हम इनको गुरु जी से प्रार्थना करते, ठाकुर जी, ठाकुर इनका आशीर्वाद दे,
खूब उनकी शक्ति दे, ऐसे ही हरी भक्ति को जगत में सर्वत्र बाबा प्रचार करते रहे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे श्री माइकी वाले भैया बड़े सुंदर, इन्होंने माइकी बजाए हैं, और इनकी माइकी नहीं होता तो हम तो कथा ही नहीं बोल सकते थे, हम इनके लिए भी ताली बजाओ। और हमारे श्री अनिल प्रभु जी अभी इन्हें कुछ बताएंगे कि सोसाइटी के भक्त लोग कैसे कैसे ये कथा में मदद किया। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंद भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीधर महाराज की चरणों में नमन, विराजमान सभी के चरणों में नमन। आज की कथा समाप्त हो रही है, समाप्त नहीं अब विश्राम, शाम हो रही है, कल से क्या करेंगे पता नहीं। ये कथा जो है इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जब प्लानिंग बनी थी तब कथा हुई नहीं। हमारी मदर जो है मेरी मम्मी, उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि कथा करानी है, उनकी बहुत इच्छा थी कि कथा हो, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी महाराज जी से कि कथा एक बार कथा कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, अभी विदेश में कहीं कहीं कथा कर रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं था। हमने बहुत कोशिश की कि कथा हो जाए मम्मी के सामने, लेकिन उसमें टाइम नहीं मिल पाया। और जब कथा हुई तो बगैर प्लानिंग के हुई है, कोई प्लानिंग नहीं थी और मेरी इच्छा भी नहीं कथा कराने की, तो लेकिन क्या सामने से महाराज जी का फोन आया कि कथा करनी है, कराओगे क्या? उसमें क्या कथा कैंसिल हो गई, तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु को पता चला महाराज की एक कथा कैंसिल हो गई, तो इन्होंने बोले महाराज जी आप कथा यहीं कर दो ना, जयपुर में कर दो, पहले चाह रहे थे। मैंने कहा तुम बात करो, फिर उन्होंने प्रभु जी से बात किया, प्रभु जी बात किया, तो फिर प्रभु जी ने परिवार वालों से बात किए, वो सहमति हो गए, बोले ठीक है जयपुर में कथा हो। देखो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, पता नहीं आप लोगों को भाग्य में कथा सुनने का था, लेकिन कहाँ कैंसिल होकर कथा कहाँ आ गई, भगवान करे महाराज जी कथा कैंसिल होती रहे, जयपुर आते रहे। तो ये जब मैं कथा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कथा कराने की, अभी जब इतनी जब इच्छा थी तो अब मेरी इच्छा थी, मैं छोड़ दिया प्लानिंग कि कथा नहीं करानी है, लेकिन सामने से फोन आया तो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो गुरु जी के शिष्य हैं और वाले गुरु के समान ही है, मना कैसे करें। तो इंसान के दिमाग में कुछ चालाकी करता है कि मना कर नहीं सकते, कोई ऐसा करो कि टल जाए, है ना। तो मैंने एक तरकीब निकाली कि क्या किया जाए कि कथा टल नहीं करनी पड़े और बात भी रह जाए अपनी। तो मैंने कहा कि सर छुट्टी मिलेगी तो कथा कराऊंगा महाराज जी, अगर छुट्टी मिल जाएगी तो कथा करा लूंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि मेरा ट्रांसफर हुआ हूँ दिल्ली पोस्टिंग, और छुट्टी वहाँ मिलती नहीं, एक भी दिन छुट्टी मिलती, जब से ट्रांसफर हुआ एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती। जब छुट्टी लेके आया तो पहुँचने से पहले फोन आ जाता कि वापस आ जाओ छुट्टी कैंसिल, तो अब छुट्टी तो एक भी दिन नहीं मिली, 10 दिन छुट्टी कहाँ से मिलेगी। तो मैंने कहा कि अगर छुट्टी मिल गई तो कथा करा लेंगे, तो महाराज जी का ठीक है ओके बात कर लो। तो मैं बहुत डरता डरता गया अंदर बॉस के बाद छुट्टी के लिए, 3-4 दिन तो सोचा जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके गया कि छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने की छुट्टी चाहिए, मैंने कहा 10 दिन की, बोले जाओ छुट्टी ले लो। जो ऑफिसर एक दिन की छुट्टी नहीं देता, एक घंटे की छुट्टी देता, उन्होंने कहा कि जाओ जितनी चाहिए छुट्टी लो और भराओ ले जाओ। तो मेरे 10 दिन की छुट्टी अप्लाई कर दी, तो फिर छुट्टी भी नहीं थी, बोले आप ड्यूटी में क्या काम कर रहे हो। मैंने वहाँ बहुत काम किया है, 12 घंटे काम करूँ मैं, वो लोग 8 घंटे काम करते, मैं वहाँ ऑफिसर 12 घंटे काम करते। तो उन्होंने कहा कि आप छुट्टी जाने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही कर लो जाओ, बोले ऑन ड्यूटी हूँ मैं वहाँ पे। तो ये है, तो मुझे उसमें लगा कि नहीं अपनी चालाकी नहीं चलेगी, जो भगवान कर रहे हैं उसको करना दो। तो मैंने कहा ठीक है ओके, भगवान की इच्छा कथा हो ओके कथा करते हैं। फिर तुरंत प्लानिंग की और तुरंत ये कथा हुई। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है, वैसे मैं कैंसिल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया, फिर कुछ लोगों के नाम हैं जो मुझे पता है जो मैं बोलना चाहूँगा। खड़े कर देना, कुछ लोगों ने प्रसाद की सेवा भी दी है, जिसमें सुरेंद्र जी मीणा का नाम है, सुरेंद्र जी मीणा, रघुवीर जी मीणा, नितेश कुमार जी शर्मा, गजेंद्र जी शर्मा ने दिया, जन्म भगवान के जन्म के दिन डेकोरेशन वगैरह करवाई थी,
उमेश जी मीणा, आशा जी बहन जी है, एक छप्पनवे की सेवा मुरारी जी मीणा दी थी, शशि मीणा ने दी है, रीमा जी है बहन जी, उन्होंने दिया है प्रसाद के लिए, और अजय जी राणा है, उन्होंने आज आपके लिए सुंदर सुंदर इमरती मंगाई है आज ना, और आ रहे हैं यही है, नहीं नहीं वो वहाँ बैठे, इमरती आई है, बड़े बड़े गर्मा गर्म आप किसने दिया है, अजय जी इधर इधर आ जाओ, अजय जी राणा ने इनके नाम पर जोरदार ताली बजाओ, सब जी इधर आ जाओ, ठीक है, आरती करना आप, और आप और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज प्रसाद किया है, उनके नाम कुछ लोगों के नाम है शशि मीणा, और एक मीना बहन जी मित्र है, उन्होंने गर्मा गर्म समोसे लाए आपके लिए आज, और कुछ लोग जो है काजू बर्फी भी लाए हैं, काजू बर्फी मलाई के लड्डू, चिंता मत करो सबको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद आज लेकर के जाना, हाँ खूब सारा प्रसाद है, और कलाकंद भी आया आपके लिए आज, भर भर के खाइए, मजे लीजिए, भक्ता का आनंद लीजिए, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ लोग जो है उन्होंने इस कथा में धन से भी सहयोग किया है, जिनमें हमारे पिताजी प्रभुदयाल जी हैं, इनके ताले बजाइए, ये सब तो पिताजी हैं, इन्होंने 11,000 रुपये दिए हैं, और बहुत सर जो किए, उसके अलावा बॉम्बे से मंजू जांगिड़ है, उन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं, और अंजू जांगिड़ ने, उषा जांगिड़, हमारी बहन जी मीना शर्मा कहाँ है पता नहीं, उन्होंने भी सहयोग किया है, एक मौसी जी प्रेमलता जी उन्होंने दिया है, मुद्रा सकते नाम उन्होंने दिया है, और आज आपके लिए होली के लिए बहुत सारे फूल आए हैं, होली के लिए बहुत सारे फूल मंगाए किसी ने भक्त ने, वो का नाम है अरविंद जी गौतम के यहाँ से आए हैं, अरविंद जी गौतम इनके लिए ताली बजाओ, बहुत सारे फूल भेजे आपके लिए होली के लिए, अभी होली के लिए आएगी थोड़ी देर बाद में, उसमें बहुत सारे फूल भेजे हैं, ठीक है, इसके अलावा सुरेंद्र जी मीणा ने बहुत सहयोग किया है, और इन सब के बाद में एक आदमी ने जो बहुत सहयोग किया है वो है हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी रविंद्र जी पांचाल, अभी शायद है नहीं आए उससे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने यहाँ हमें परमिशन दी है करने के लिए कि आप कहता है यहाँ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पे, तो वो अभी आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, तो सभी का और आप सब जो भी यहाँ आए उनका आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम कोशिश करेंगे हर साल ये करें, हाँ हाँ आप अगर आपकी इच्छा हो तो हम हर साल इसको कर सकते हैं, पहले और इन सब के अलावा हमारे अनिल भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी है, तो ये आइए आगे आइए, ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी है हमारी, पढ़ेंगे और फटके देखना, कुछ नहीं पढ़ेंगे, अच्छा, कुछ नहीं होता है। हेलो, इसके अलावा हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश नागपाल जी हैं, प्लीज नागपाल साहब खड़े होइए, भागवत, हाँ ये हर समय हर समय हेल्प करते रहते हैं, इन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम हो पाया है, और आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आके कथा सुनी है, लेकिन इसको भूलना नहीं है, हमेशा अब इसको कंटिन्यू रखना है, और डेली भगवान का भजन जरूर करना है, क्योंकि हमारी आदत ये है कि हम प्रॉब्लम को कंसंट्रेट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को छोड़ करके भगवान का ध्यान करना, तो प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म होगी, अदरवाइज तो लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम चलती रही, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम को साथ लेकर ही काम करना है, भजन करना है, तभी प्रॉब्लम दूर होगी, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, मैं अनिल का जीजा जी हूँ, और हर साल मैं ये सोचता रहा था कि मैं भगवत कथा में आऊँ, पर नहीं आ पाया, और अब की बार मैंने प्लान बनाया था, मैं मतलब अन्य कारणों से नहीं आया, पर मैं छुट्टी की जो प्रॉब्लम रहती थी वो अब की बार एकदम खत्म हो गई थी, मुझे बड़े आराम से छुट्टी मिल गई थी, मैं हरी दर्शन के लिए आ गया, बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम लोग पंजाबी हैं, हम लोग बचपन से गुरुद्वारे में जाते हैं। जब हम गुरुद्वारे जाते थे कभी भी वहां पे बैठ के शब्द नहीं सुने। गुरुद्वारे में शब्द होते हैं, कभी सुने नहीं। गुरुद्वारे जाते थे, प्रणाम करते थे, वहां बड़ा अच्छा हलवा मिलता है। अगर आप गुरुद्वारे गए हो, हलवे की लाइन में लगते थे और बाहर आ जाते थे। एक दिन मैं हलवे की लाइन में लगा हुआ था और हलवा खत्म हो गया। अब जितनी देर में हलवा आएगा तो 5-7 मिनट लाइन में खड़े होना पड़ेगा। तो लाइन में खड़ा रहा कि चलो आए तो हलवा तो लेके जाएंगे भैया, वरना गुरुद्वारे आने का क्या लाभ। जैसे होते ना, अगर हम आए बिना प्रसाद लिए चले गए तो बड़ा दुख होगा, अरे इतने गरम गरम समोसे थे, कलाकंद था, क्या क्या अनाउंसमेंट हो रही थी, प्रसाद तो मिला नहीं। तो वो लालच था कि हलवा खा के जाना है। मैं लाइन में खड़ा रहा। अब उतने में क्या हुआ, कान में कुछ कुछ शब्द की आवाज आने लगी, जो अंदर शब्द हो रहे थे। बड़ी अच्छी आवाज आई, उसको सुन के एकदम जीवन ही परिवर्तन हो गया। क्या सुनना, वहां पे बता रहे थे पंजाबी भाषा में कि आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाके आपने अपनी सारी बीमारी बता दी। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जब भी कुछ खाता हूँ ऐसे लगता है कि पेट पूरा एकदम फूल के फट जाएगा। सारा कुछ आपने बता दिया। रात को बहुत लंबी लंबी सांस फूलने लग जाती है। तो डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया और डायग्नोज करने के बाद डॉक्टर ने बोला भाई आपको तो अल्सर है आपके पेट में, अब इसका इलाज कैसे होगा। अब डॉक्टर आपको बता रहा है बैठ के कि कैसे इसका इलाज हो सकता है। लेकिन वो जो पेशेंट था उसने अपनी सारी बात तो डॉक्टर को बता दी। अब जब डॉक्टर अपनी बात बताएगा तो वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और वहां से चला गया। तो उसका डॉक्टर के पास जाने का कोई लाभ होगा? कोई लाभ होगा नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि तुम गुरुद्वारे में आए और अपनी अपनी बोल के चले गए, और जो गुरु बोलते हैं उसकी तो तुमने सुनी नहीं, तो तुम्हारा कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ हुआ नहीं। उसी प्रकार से हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम क्या कभी सुनते हैं भगवान ने क्या बोला, या अपनी सुना के आ जाते हैं? अपनी सुना के आ जाते हैं। गीता में क्या है, अर्जुन अपनी सुनाते जा रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, भैया बोलते रहो। लेकिन अर्जुन ने देखा भाई मैं तो बोलता जा रहा हूँ, भगवान क्यों कुछ नहीं बोलते, तभी तो मेरे को समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बोले अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया, आप बोलो। फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। तब ये बात समझ में आई कि जब हम किसी भी रिलीजियस स्थान पे जाते हैं, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है उनका सुनना कि डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है। तो जो भागवत है, अब उस व्यक्ति ने चलो समझ लिया कि डॉक्टर से दवाई ले भी ली, पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी ले लिया, अब दवाई लेके घर पे आ गया। अब जब दवाई लेके घर पे आ गया तो उसका इलाज खत्म हो गया या इलाज शुरू हुआ है? शुरू, बताओ, इलाज शुरू हुआ है ना, ये तो पहला स्टेप था। उसी प्रकार से आज भागवत खत्म हुई है या जीवन में भागवत शुरू हुई है? शुरू, भागवत शुरू हुई है। तो भागवत भी एक मेडिसिन देती है। क्या भागवत एक मेडिसिन देती है? कहते हैं, एक कीर्तन है बड़ा सुंदर जिसमें कहते हैं, श्री कृष्ण चिकित्सक तार भव लोग नाशिते चतुर। कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े चिकित्सक हैं। हृदय पीड़ित जार श्री कृष्ण चिकित्सक तार। कह रहे हैं हृदय पीड़ित जार श्री कृष्ण चिकित्सक तार, सबसे बड़े चिकित्सक, सबसे बड़े डॉक्टर है कृष्ण। और उन्होंने भी एक दवाई दी है, एक औषधि दी है। वो औषधि श्रीमद् भागवत में पड़ी है। वो औषधि है भगवान का नाम। क्या है वो औषधि? भगवान का नाम। तो आप 7 दिन तक डॉक्टर के पास आए और ये एक औषधि है जो भागवत हमें देती है, वो है भगवान का नाम। और ये औषधि कैसी है? ये औषधि ऐसी है, भव पीड़ा उपजे नहीं महारोग कट जाए, नाम राम राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, भव पीड़ा उपजे नहीं महारोग कट जाए। ये जो भगवान नाम की औषधि है, इसको अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो कहते हैं ये औषधि बहुत मीठी है, इस औषधि को लेने में कोई दुख नहीं होता। और क्या होता है? महारोग कट जाए, सबसे बड़ा रोग जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, उसका ये रोग ही हमेशा के लिए कट जाता है। तो आप लोग आज एक संकल्प लो कि मैं अपने घर में भगवान की कितनी माला करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लेके जाओ।
तब तो आपका भागवत सुनना माना जाएगा कि हाँ सच्ची में सुना। लेकिन अगर भागवत से बाहर निकलने के बाद माला करना छोड़ दिया, भगवान का नाम करते नहीं हो, तो कुछ भी लाभ होगा नहीं। डॉक्टर के पास गए, दवाई भी लेके आ गए, लेकिन दवाई खाते ही नहीं हो। तो ये हरि नाम रूपी औषधि हमारे संत लोग हमें देते हैं। मीराबाई गली गली में जाके क्या बोलती है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। कई जगहों पे आवाज आता है शोर मचाऊं गली गली, वो गली गली में जाके शोर मचा रही है, क्या पागल है? उसके पास अपने रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, इतना बड़ा महल है, उस महल से बाहर आके हम जैसे लोगों के गली में आके चीख चीख के आवाज दे रही है, भाई कोई तो राम का नाम ले लो, कोई तो राम का नाम ले लो। उसको क्या मिल रहा है? क्योंकि वो जानते हैं, हमारे संत लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम लोगों ने भगवान के नाम रूपी औषधि नहीं लिया तो भैया मृत्यु तो आई जाएगी। अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो केवल एक औषधि है, वो है भगवान का नाम। बस एक औषधि हमें मृत्यु से बचा सकती है। डॉक्टर भी क्या बोलता है लास्ट में, जब डॉक्टर दवाई देता है देखना उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखा होता है। किसी भी डॉक्टर से दवाई लेने जाओ ऊपर RX लिखा होता है। RX का मतलब क्या होता है कि भैया मैं दवाई तो दे रहा हूँ लेकिन ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए इस नाम रूपी औषधि को आप अपने जीवन में जरूर ग्रहण करना। दूसरा एक अनाउंसमेंट थी, हम लोग 26 तारीख को यहाँ से गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं बस से। सुबह 6 बजे बस निकलेगी गोविंद देव जी मंदिर के वहां से। और अगले दिन 27 तारीख को संडे है, 26 जनवरी का छुट्टी और 27 तारीख को संडे है, तो हम अगले दिन नंदगांव जाएंगे और नंदगांव से वापस फिर पुनः रात को ही वापस आएंगे। तो हम बरसाना नहीं केवल नंदगांव, तो हम लोग जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा और नंदगांव। तो जो लोग जाना चाहते हैं अभी कथा के बाद हम यहीं पे ही हैं, अपना आके आप नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इसकी जो सेवा है हमने बहुत कम रखी है ताकि सब लोग जा सके, 1000 रुपये सेवा रखा है, लगभग 600 रुपये तो बस का ही किराया पड़ जाता है, बाकी 400 रुपये में वहाँ 2 दिन खाना पीना रहना। तो जो लोग जाना चाहते हैं नाम लिखवा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग 13 मार्च को यहाँ से हर साल जयपुर से नवदीप धाम जाते हैं। ये नवदीप धाम क्या है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में उनका जन्म हुआ था। कलकत्ता के पास है ये स्थान नवदीप धाम। ये 9 द्वीप है, ये 9 आइलैंड है, और ये जो 9 द्वीप है इस पूरे 9 द्वीप के अंदर पूरा 84 कोस ब्रजमंडल है। गोवर्धन भी है, बरसाना भी है, नंदगांव भी है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। जैसे यशोदा मैया नंद बाबा, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वही यशोदा मैया सची माता है और नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र है। जितने भी ब्रज की जो भगवान की लीलाएं हैं वो सारी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है 500 साल पहले उन्होंने नवदीप में करी है। इनका जितने आप जयपुर में जितने ठाकुर दर्शन कर रहे हो, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन श्याम सुंदर गोकुलानंद, ये किसके ठाकुर? ये चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को, सब चैतन्य महाप्रभु का भक्त थे, उनको आदेश दिया ये विग्रह सब लुप्त हो गए थे तुम लोग उद्धार करो। ये चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने ही ये सब जितने ठाकुर जयपुर में देख रहे हो उनका प्रतिष्ठित विग्रह है। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती पृथ्वी में जितने सारे पर्वत है करोड़ों करोड़ों बार तुम चले जाओ पार्वती, लेकिन एक बार श्री नवदीप धाम में कोई जाए, ये नवदीप, नवदीप मतलब ये नॉर्थ द्वीप, ये नॉर्थ द्वीप नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय से ये नवदीप को कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने प्रकट किया। ये नवदीप नहीं, ये राधा रानी की नव कुंज है। वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी को एक साथ में देखोगे बहते हुए, एकदम सीधा दिखेगा, उस तरफ में सफेद और इस तरफ में काले हैं, हाँ? वहीं पर नरसिंह भगवान श्री हिरण्यकश्यप को वध करके वहीं पर हाथ धोए थे। बड़े सुंदर सुंदर स्थान वहाँ पर है नवद्वीप धाम में। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर जन्म लिए, राधा कुंड श्याम कुंड सारे तीर्थ वहाँ पर, पंचवेणी वहीं पर, गंगा सागर जी वहीं पर है, कितना सारे तीर्थ बारम्बार, गंगा सागर एक बार, वहां पर गंगा सागर भी आपको मिलेगा, सारे तीर्थ वहीं पर आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर हम वहां जाना चाहते हैं, पिछली बार भी करके जयपुर से 150 भक्त लोग यहां से
नवद्वीप धाम में गए थे, इस बार भी प्रभु जी भक्त लोगों को ले जा रहे हैं वहाँ पर। अगर आप लोगों की इच्छा होगा हम महाप्रभु धाम में जाएंगे, और वहाँ जाने से जीवन का जितने पाप सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे कृष्ण अगर कोई उल्टा पुल्टा किया तो चक्र चला दिए, राम धनुष उठा दिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसको मारे नहीं, कभी मारे नहीं, उनका सर फोड़ दिए जगाई माधाई दो पियर का, बोले भैया कोई बात नहीं सर फोड़ दिया, लेकिन एक बार तो भगवान का नाम तो ले ले, एक बार तो ठाकुर जी की एक बार नाम ले लो, तेरे सारे पाप को मैं माफ कर दूंगा। जैसे महाप्रभु दयालु, वो धाम भी बड़े दयालु, वहाँ जाने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को वो धाम में जाने की अगर इच्छा हो, यहाँ पर प्रभु जी है लेकर के जाएंगे आप, प्रभु यहाँ पर आप इनको साथ में जुगाजुग कर सकते हैं। आप लोग गंगा का मैप देखना, भारत में गंगा का मैप, गंगा है ना, गंगा का नक्शा है, गंगा कहाँ से निकली, गोमुख से निकली, बिल्कुल सीधा 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 बिल्कुल सीधी जा रही है, अलाहाबाद होते हुए, प्रयाग होते हुए, पूरा गया होते हुए सीधा पहुंच गई नवद्वीप में। जैसी गंगा देवी नवद्वीप में पहुंची उसने देखा अरे ये तो वही स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और गंगा वृंदावन में नहीं है, वृंदावन में यमुना है। तो गंगा सोच रही है कि मेरी जो बहन है यमुना उससे तो बहुत कृष्ण की सेवा करी कहाँ पे, वृंदावन में, लेकिन मैं तो वृंदावन में जा नहीं सकी, अब मैं क्या करूं। और ये वही धाम है जहाँ पे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो गंगा देवी ने क्या किया, उस नवद्वीप धाम को पूरा गोल 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 करके सारे द्वीप को कवर कर दिया, क्यों, कोई स्थान रह ना जाए जहाँ पे महाप्रभु लीला करे और मैं उनकी सेवा ना कर सकूं। तो उसने पूरे नवद्वीप धाम को ऐसे घेर लिया। इसलिए जब हम एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं, नाव में बैठ के जाते हैं, हजारों लोग नाव में बैठ के जा रहे होते हैं एक द्वीप से दूसरे द्वीप, बड़ा आनंद आता है। आप लोग जब नवद्वीप जाओगे आपको ऐसा लगेगा हम सतयुग में आ गए हैं। वहां जितने लोग होंगे, जितने लोग सारे कैसे होंगे, सबके हाथ में माला होगी, गले में कंठी होगी, सारे लोग आपको कहोगे भैया पता नहीं कौन से देश में आ गए, ऐसे लग रहा है सतयुग में आ गए। बहुत सुंदर स्थान है। अगर जीवन में हमारे साथ में एक साथ हमारे जो परिक्रमा में 10,000 लोग रहते हैं, वहां पर जो रसोई बनता है ना आप सोच नहीं सकते। जैसे आप लोग बैठो पूरा आधा, इतने बड़े बड़े कड़ाल और इतने बड़े बड़े चूल्हे, इतने इतने मोटे मोटे लकड़ी को पूरा पेड़ को पेड़ वो पूरा चूल्हे में दे रहे हैं, सारा दुनिया देखने के लिए आते हैं। भैया इतने चावल एक साथ में कैसे बनती है, एक साथ में 10 क्विंटल चावल एक समय छोड़ देते हैं, 10 क्विंटल से ज्यादा चावल एक कढ़ाई में, समझो कढ़ाई कितना, इतने बड़े कढ़ाई वहां पर रसोई बनती है। अब देख देख कर बड़ा आश्चर्य लगेगा उस चीज को। जो जाना चाहे संपर्क कर सकते हैं। एक महिमा केवल बताऊंगा नवद्वीप की, तो यद्यपि अनंत महिमा है। बताते हैं शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि नवद्वीप की महिमा कैसे है। अगर कोई व्यक्ति 100 साल हमारे भारत में सप्त तीर्थ है, सप्त तीर्थ में द्वारका हो गया, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, इन सप्त तीर्थ में अगर कोई 100 साल वास करता है, पार्वती 100 साल, और अगर कोई नवद्वीप में एक रात्रि वास करता है, ये एक रात्रि वास जो नवद्वीप धाम का है इस सप्त तीर्थ के 100 साल के वास से भारी है, इतनी नवद्वीप धाम की महिमा है। तो आप लोग कोशिश करो अगर नवद्वीप धाम एक बारी जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, पास में गंगा सागर भी है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ सुदामा जी आ जाओ, देखो हमारे बीच में इस सोसाइटी के सेक्रेटरी रविंद्र जी पांचालक, उनसे अभिनंदन आ गया है, मिल आ गया है, आ गया, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। और एक सुरंजन जी मीणा, सुरंजन जी प्लीज आ गया है। हाँ सुदामा जी आ गए, सुदामा जी हाँ सुदामा जी को चेयर दे दो बेटा। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी इन दोनों को पर खूब आशीर्वाद बरसाए, क्योंकि इन लोगों को लगने मदद किया इसलिए ये सब हुई है। जैसे ठाकुर इनको आशीर्वाद दे, खूब संसार में फलते फूलते रहे, संसार में खूब शांति सुख में रहे, संसार में प्रभु जी अभी जाना नहीं, अभी बाद में जाना। हाँ हरे कृष्णा, हरे बोल। हाँ देखो अभी कृष्ण रुक्मी श्री राम नमो नमो 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 श्री राम
Oh,
देखो होली में कोई ना नाचता है, सभी को नाचना है। किसको बुला रहे हैं अनिल जी? किसको बुला रहे हैं? बीच में रखना, बीच में रखना। होली के रसिया की, बोलो नंदा के लाला की। Hey!
I'm gonna make you mine.
Sridhar Maharaj.